नमस्कार नमस्कार, प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम, जितने भी लोग देख रहे हैं। ललितेश कोहली, हेलो, हाय हाय सलोनी, हाय शिल्पी, हाय निमेश, हाय क्रिएटिव हर्ष, ओके, सभी को नमस्कार। सो आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पोस्ट डाल दी थी आज कौन आ रहे हैं। शशांक जी आ रहे हैं, शशांक शुक्ला जी, आपको पता ही है, बहुत ज़बरदस्त और बढ़िया अच्छे कलाकार हैं। सो थोड़ी देर में उनसे मिलते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ उनकी रिक्वेस्ट मेरे पास आई है कि नहीं आई है। नहीं आई है, मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, देन फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो दीनू, हेलो सुमेधा, हेलो दीपा, हेलो देविरो, हाय ऋषभ, चलिए मैं इन्वाइट करता हूँ, है ना। रिक्वेस्ट भेजी है लेकिन एक्सेप्ट नहीं हो रही। मैं सेंड करता हूं, एक मिनट को। शशांक जी मैंने आपको भेज दी है, आप एक्सेप्ट कर लें। हेलो भाई, कैसे हो? बस बढ़िया, बेहतरीन। और बताइए कैसे? बस बस बढ़िया, मैं वेट कर रहा था, मुझे लगा कि दो ज्यादा हो गया, अभी तक कभी ऐसा भी लाइव आया मुझे नहीं। याद ही नहीं रहा, मैं एक्चुअली वो चेन्नई सुपर किंग्स के धोनी खेल रहा था तो मेरा उधर अच्छा ध्यान अच्छा क्रिकेट का भी वही मैं वही थोड़ा से सा नाम मिल रहा था। जबरदस्त फैन हूँ तो वही देख रहा था इस चक्कर में। सही है सही है, तो आज लाइव गलत लग दिया, गलत टाइम पर रख दिया ऐसा नहीं लगता है। नहीं कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। सो जितने भी लोग अच्छा जानते हैं शशांक जी को, बहुत से लोग जानते होंगे, नो डाउट, एमिनेंट आर्टिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त काम है, बेहतरीन काम है। अरे तारीफ थैंक यू तो जितनी थैंक यू। करवानी है करवा लो मुझसे, ठीक है। अरे अरे, बस एक अच्छी बात है कि हम लोग एक दूसरे को बस जानते हैं, वो अच्छा है। और अभी 2 दिन पहले हम लोग मिले एक आर्ट इवेंट में, और बाकी स्टूडेंट्स भी उनको लाइव आई में देखा डब्ल्यू एस ही में, होगा। हाँ बिल्कुल वही मुलाकात हुई। बाकी हाँ बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात कि काम नेचर तो नेचर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा, मेरे जैसा ही नेचर लगा मुझे, सबसे अच्छी बात ये बिल्कुल रही। बड़ा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ तो देखो, मैं पर्सनल चीजें, मैं शशांक जी आपसे चाहता हूँ कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दें, हल्का सा बता दें लोगों को कि आपने स्टडी कहाँ से की, अब कहाँ से क्या, जो भी हल्का सा एक इंट्रो 2 मिनट का आप ओके अपने आप ओके। से दें। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरा स्टार्टिंग करियर था वो 2011 स्टार्ट हुआ। जो पहले मैंने 4 साल का बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कोर्स किया एंड मास्टर कोर्स किया, दिल्ली से मैंने किया बैचलर। मेरा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स मेरा कानपुर से था। ऐसा कोई बड़ा कॉलेज से मैंने कोई आर्ट कोर्स नहीं किया है, मतलब या ऐसा कुछ, मतलब बोले कि मैंने बहुत बड़े कॉलेज से किया और तो काम अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अभी चल रहा है काम। और बस ये बोलूंगा कि बस थोड़ा सा ऐसी जर्नी थी, थोड़ा स्ट्रगल भी था, स्टार्टिंग 2011 से थी, अभी भी थोड़ा बहुत चीजें सीख रहा हूँ। और जितने भी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया सबको बस यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक अपने अंदर एक ऊर्जा बना के रखो काम करने की, क्योंकि वही आपको आगे तक ले जाएगी। और ये जो जर्नी है 2011 से मेरी आर्ट की, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी भी और बहुत सारी चीजें मुझे लगा कि नहीं अभी और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो बस यही बोलना चाहूंगा कि आर्ट कोर्स तो एक पार्ट होता है हम लोग को शो करने का, लेकिन जो हमारे एक्चुअल जो टैलेंट होता है वो हमारा काम होता है। कॉलेज कोई भी हो, काम बढ़िया है तो फिर आप लोगों की नजरों में बने रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। सो मैं पूरा हैंड ओवर आपको कर रहा हूँ, अब आप जाने और ये जनता जाने, ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे बैठा ठीक है ठीक रहूंगा। है बिल्कुल श्योर श्योर। अरे बीच में फिर भी जो आपको लगता है आप कुछ जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बातचीत तो चलती रहेगी, नो डाउट। और किसी को कुछ हाँ पूछना हो प्लीज क्वेश्चन में दे दें, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पूछ ठीक लेना। और वीडियो कॉल पे अगर किसी को कुछ ठीक पूछना है तो वो हम थोड़ी देर बाद में पूछेंगे, जब हमारा डेमोन्स्ट्रेशन ओवर हो जाएगा, हाँ ठीक है, उसके बाद भी हम कर थोड़ा सा समय देंगे। बिल्कुल तो अभी मैं कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं ताकि डेमोन्स्ट्रेशन इजिली और अच्छा दिखे। ठीक है। तो एक चीज सबसे पहले तो मैं बताया, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा के भाई को कि अच्छा है कि एटलीस्ट इनके थ्रू वो बहुत सारे आर्टिस्ट का डेमो करा, जिससे आपको सिर्फ
ऐसा नहीं कि आपको एक ही काम, आपको हर तरीके काम सीखने को मिल रहा है, क्योंकि एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो हर तरीके का काम देखे और अपने काम में क्रिएटिविटी लाने का एक एक होता है ना कि अवसर मिल जाता है कि हम जब सबके काम देखेंगे कैसे एक आर्ट, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट काम करते हुए शेयर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि के भाई का बेस्ट पार्ट ये है कि ड्राइंग तो मतलब जबरदस्त है, तो मजा आता है हम लोग को, तो वीडियोस तो देखते ही रहते हैं। और बस एक अच्छी बात है कि सिर्फ उन्होंने अपनी ड्राइंग को ना लेके बाकी लोग को भी आर्ट को शो करना चाहा, जिससे कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग उनकी इस चीज को लेके खड़े उतरेंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे, और बिल्कुल जितना भी बिल्कुल, टाइम साथ मिला है में बहुत टाइम। कुछ अभी सब उन लोगों को भी बता दें, साथ में बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। अभी लाइव सेशंस जैसे दिल्ली में साथ ही आएंगे, मैं, शशांक भाई, अंकिता जी, बहुत बिल्कुल से लोग बिल्कुल हैं, तो सब साथ बिल्कुल में एक साथ लाइव मिलेंगे आपको दिल्ली के अंदर। वो अब लोकेशन कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल सीपी हो सकती है, लोधी गार्डन हो सकती है, कोई भी जगह हो सकती है, वो तो जल्दी ही बताएंगे आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज है। तो अच्छी बात है कि आप लोगों को बहुत सीखने को मिल रहा है, ऐसे मौके बहुत ही कम मिलते हैं जो कि एक आर्टिस्ट या एक जो दूसरे दो आर्टिस्ट मिलके काम करें, ये बहुत मतलब ऐसा बहुत बहुत मुश्किल होता बहुत है। कम, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे टाइम एक्चुअली तो था ही नहीं। आज के टाइम पे क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि एक आर्टिस्ट लगता है कि हम उसको क्यों इनवाइट करें, बहुत बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मार्केट की सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है ये है। हाँ फॉलोवर वाला टंटा है, बहुत सी चीजें हैं कि मेरा क्राउड उधर चला जाएगा, ये बहुत बिल्कुल बहुत है, बिल्कुल, ये है। ऐसा नहीं है। मैं तो बोलते जितना आर्ट हम स्प्रेड करेंगे लोगों से, जितना कनेक्ट करेंगे उतना हम उतना खुद बेहतर, सीखेंगे बिल्कुल लोगों से देखा जाए बिल्कुल। तो बस अच्छी बात है। और आज क्या कहते हैं कि मैं एक, अब देखो वही बात है कि पहले तो एक दो चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि अभी आज मैं इंडोर एक डेमो दे रहा हूँ आपको, तो सिंपल सी बात है रेफरेंस का यूज करूंगा, वो इसलिए कि मैं आपको शो कर पाऊं कि मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है, अब करने को तो मेमोरी ड्राइंग भी हो सकती है पेंटिंग, लेकिन आप नहीं समझ पाओ कि मैं उस चीज को किस तरीके से शो करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग रेफरेंस से काम करते हो, खराब बात नहीं है, सब अच्छा होता है ये रेफरेंस से काम करना। आप लाइव मॉडल स्टडी कर रहे हो, लाइव पेंटिंग करते हो, प्लेन एयर पे जाते हो, तो वो भी अच्छा होता है। हर चीज डिपेंड करता है सिचुएशन, सिचुएशन कैसी उसके हिसाब से हमें काम करना, हर उसमें आना चाहिए। ठीक है, तो बस सबको यही बोलूंगा कि रेफरेंस भी बढ़िया है, बाकी आउटडोर भी करो, मैं तो यही बोलूंगा। और आउटडोर करने का बेस्ट पार्ट ये है कि हम अपने डर को दूर करते हैं, क्योंकि काम तो एक सेकंड पार्ट है, पहले होता है अपने अंदर डर को निकालना, जिससे कि हम मार्केट में लोगों के सामने काम कर सके और अपने अंदर जो हुनर है उसको लोगों तक शो कर सके। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी ऐसा करते हैं कि हम लोग फिर वर्क स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बाकी बिल्कुल, बातें तो मैं बीच में करता ही रहूंगा, वो तो जानते हो, मैं फिर बोलता रहता हूँ, चलता ही रहता है जरूर वो। ठीक जरूर है, तो अभी मैं एक सेकेंड मैं कैमरा वो करता हूँ। स्विच कर ठीक लो। है, हाँ, हाँ जी एक सेकेंड। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि कानपुर में कहाँ से बैचलर किया है सर? मैं सीएस कानपुर, एमयू से कर रही हूँ। अच्छा हाँ तो मैंने सीएसजीएम से किया है, कानपुर यूनिवर्सिटी से, मेरा सबसे पहला ही बैच अच्छा था 2011 अच्छा अच्छा का। तो अभी एक अच्छी बात यह है कि सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मजा आती है सिखाने में और सीखने में भी, दोनों में। क्योंकि एक आर्टिस्ट वही है कि वो अपने ना सीखे, वो अगर एक बच्चा भी में, एक बच्चे में कुछ टैलेंट है उससे भी सीखना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगा। क्योंकि बिल्कुल लर्निंग बिल्कुल ऐसी स्टेज है कि जो आपके आपको अच्छा करती है, अगर आप दूसरे का काम देखोगे, चाहे वो आपका सीनियर या जूनियर हो, अगर अच्छा है तो बिल्कुल देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो नो वो डाउट चीज है। नो डाउट। एक सेकंड, मैं आपको वीडियो दिख रही है, एक सेकंड मैं हाँ थोड़ा सा बिल्कुल इसको विजिबल है, पढ़ लें। ठीक हाँ दिख रहा है। है, और वाटर कलर पेंटिंग करने से पहले मैं थोड़ा कुछ बेसिक बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना स्टार्ट कर रहे हो वाटर कलर में, तो आपको क्या जरूरी है ध्यान रखना। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग ब्रांड के पीछे मत भागो। ठीक है, मैंने जब पेंटिंग स्टार्ट की तो नॉर्मल मैंने कार्ट्रिज पेपर पे ही पेंटिंग की थी। ठीक है, और आज भी करते हैं, डेमो देना हुआ कुछ इलस्ट्रेशन का या नॉर्मल लाइट वाटर कलर में, तो हम उसमें काम कर सकते हैं। तो आप लोग बस यही है कि देखो स्टूडेंट लाइफ जो होती है थोड़ी सी, एक होता है कि हम लोग का बजट बहुत ही कम होता है, तो बस ये बोलूंगा कि जो लिमिट में चीजें हैं आप उससे काम करना सीखो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप महंगे ब्रांड या महंगे ब्रशेस यूज करने से ही पेंटिंग अच्छी बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छा काम कर लेते हो ना, तो आप एक जमीन पे ये वाटर कलर वर्क क्रिएट कर सकते हो, मेरा तो ये मानना है। ठीक है, बिल्कुल तो लेकिन और एक चीज, फिर और एक चीज मेरे बोलने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आपको हर टाइम सेम प्रोसेस चलना चलना है, ऐसा भी नहीं है। जब आपको लगता है कि आपका काम थोड़ा अपडेट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो आपको अपने आप को भी अपडेट करते रहना है। क्योंकि अगर आपके पास 10 आएगा तभी तो आप 2 खर्च कर पाओगे ना, अभी 2 ही नहीं आ रहा, 10 खर्च करने का मतलब नहीं है। तो अभी वैसे जो मैं पेपर यूज कर रहा हूँ चित्रपट पेपर है, ये मेरे हिसाब से तो अच्छा है एक स्टूडेंट्स के लिए और एक प्रोफेशनल के लिए, और रीजनेबल है, कोई भी स्टूडेंट परचेज कर सकता है। तो और मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है तो आप, वैसे तो मेरा फेवरेट पेपर है ये, मैं हमेशा इसी पे काम करता हूँ,
और बाकी तो मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप उस चीज को लेके सोच सकते हो, तो मैं करता ही रहता हूँ, अच्छा लगता है। तो क्योंकि इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जिसमें टेक्सचर है ना, वो वाटर कलर पेंटिंग में एक और खूबसूरती खूबसूरती ला देता है, जो रफनेस आती है, एंड जो जो इसका जीएसएम है 270 जीएसएम है, रफ फिनिश में है, तो काफी अच्छा है। अभी हम काम करेंगे, और आज का जो रेफरेंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। ओके बस आप लोग काम देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि जितना आप एंजॉय करोगे ना, उतना ही आपको ये समझो मूवी तरीके है। एक एक होता है कि हम लोग मूवीज देखते हैं, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन हम लोग के लिए डेमो एक मूवी के तरीके है कि जब स्टार्ट होती है एंजॉय लेते हैं, और उसको हम उससे सीखते हैं ना, कुछ अच्छा भी होता है कुछ खराब भी होता है, बट उम्मीद करता हूँ खराब एक्सपीरियंस नहीं होगा, अच्छा ही होगा सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, तो नो डाउट। मैं ठीक भी यही कहता हूँ कि एक जर्नी की तरह स्टार्ट से लेके एंड तक एक जर्नी होती है, नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि मैं भी क्लास, अभी मेरी अभी 7 बजे मेरी एक क्लास खत्म हुई, तो बस तुरंत मैंने ये अभी स्टार्ट किया है। तो ठीक है, अभी हाँ मैंने नॉर्मल लेड पेंसिल ले रखी है, आप कोई भी 2B 4B या HB कोई पेंसिल यूज करते हो नॉर्मल ड्राइंग के लिए, जो भी आपके अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि आपको नहीं है तो भाई काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप फ्री होके बिल्कुल करो जो आपको लगता है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग से स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग के लिए सबसे पहले जरूरी चीज ये है, और जब भी आप चाहो लाइव करो या किसी रेफरेंस से करो, कोशिश करो कि आप उसमें अपना टच डालो, क्योंकि कॉपी तो कर लेंगे लेकिन हम अपनी क्या क्रिएटिविटी ला रहे हैं अपने काम में। तो कलर स्कीम चेंज कर सकते हो, या कुछ आपको लगता है कि ह्यूमन फिगर नहीं है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, तो एड ऑन बिल्कुल जरूरी है सारी चीजों में। बिल्कुल, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, देन स्टार्ट करते हैं, बातें होते बातें करते रहेंगे बीच बीच में। तो जरूर सबसे पहले जरूर तो एक चीज और भी बोलना चाहूंगा कि सबका एक तरीका होता है पेंसिल को होल्ड करने का, जैसे कि मैं ऐसे होल्ड करता हूँ, किसी का तरीका ऐसे होता है, किसी का ऐसे होता है। तो जितना आप पेंसिल को बैक साइड से होल्ड करोगे, उतना ही आप फ्री होके काम कर पाओगे, मेरा ये मानना है, ठीक है? बाकी सबका अपना एक मेथड है, तो अच्छा है कि आप लोग जैसे कंफर्टेबल आप वैसे ड्राइंग करो, कोई दिक्कत नहीं। मेन है कि रिजल्ट अच्छा निकल के आना चाहिए बस मेरे साथ है, तो ठीक है। बिल्कुल। तो फाइनली ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, और ड्राइंग हमेशा ड्राइंग के ड्राइंग में साथ आप ड्राइंग करते करते आप ये भी बता दें कि आपका इंस्टीट्यूट जो भी है, इंस्टीट्यूट है जहां आप क्लासेस वगैरह अच्छा लेते हो, कौन सी जगह है, ताकि बच्चे अवेयर हो जाएं, आसपास कोई रहता हो तो वो अच्छा आपके पास जा आप सके, सीख बिल्कुल सके, बिल्कुल पूछ सके। बिल्कुल आपने वैसे बोल दिया, तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को शो करना नहीं चाहता, तो अच्छा ही नहीं लगता नहीं है कि देखो मेरा एटलीस्ट। मानना है, देखो सुनो मैं एक चीज बताऊं, जी यहाँ कोई किसी का प्रमोशन जी करने नहीं बैठा है। मैं कभी भी किसी आर्ट कितना ही बड़ा आर्टिस्ट क्यों ना जाए, बहुत से बड़े बड़े जी जी अच्छे अच्छे जी आर्टिस्ट, बड़े तो चलो होते ही नहीं है लेकिन अपने आप में जी उनका नाम है, तो मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि जी सर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन खुद दें, क्यों, क्योंकि बिल्कुल आप अपने बिल्कुल बारे में 2 मिनट के अंदर शायद आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मैं आपके अवार्ड गिना सही बात, दूंगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये वो सब कुछ बता दूंगा, पर वो बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आएगा। राइट राइट राइट। और तो इंस्टीट्यूट इसलिए बेसिकली बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो आपके नजदीक उत्तर होंगे तो शायद उनको कुछ अच्छा सही सीखने बात को मिले, मेरा मानना है कुछ अच्छा सीखने को मिले है, बिल्कुल इस चक्कर बिल्कुल में, सही बात है, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता है हूँ। ना। और रोजी तो मैं रोटी तो बताना कमाएंगे, चाहता देखो सीधी सी बात है, घोड़ी मतलब हूँ घोड़ा घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो थोड़ा बहुत तक कमाना भी जरूरी है। सही सही बात है। तो बस मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरा स्टूडियो है, मैं बेसिकली मैं रहता हूँ इंदिरापुरम गाजियाबाद, बट जो मेरा स्टूडियो मैंने बना रखा है वो छोटा सा स्टूडियो है, जहाँ पे स्टूडेंट सीखते हैं वाटर कलर स्केचिंग ड्राइंग इस तरीके से, तो दिल्ली में टैगोर गार्डन में है। तो कभी आप लोग को मौका लगे तो आप प्लीज विजिट करिए, सीखना एक ना सीखना एक बात की बात, एक आर्टिस्ट से मिलना हो जाता है, अच्छा लगता है अपने बातों को शेयर करना, ये अच्छी बात होती है, मैं तो यही बिल्कुल बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी बच्चे मेरे स्टूडेंट्स वगैरह देख रहे हैं प्लीज जाएं, मेरे नेचर में इनके नेचर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मैं मिला अरे हूँ मतलब शायद 2-3 घंटे हम साथ रहे तो मुझे लगा सही कि बात, नहीं सीरियसली है, एक और जैसे ही मुझे है, तो अच्छे मुझे हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगा कि मैं जल्दी निकल गया था, मुझे लगा कि मुझे और रुकना चाहिए था, बट कुछ मजबूरियां थी, हाँ निकलना पड़ा, नहीं तो ऐसे मौके कम ही होते हैं जब कभी मेरे ऐसे बच्चे थे मतलब। आपके साथ शायद, नेक्स्ट डे थे हाँ मेरे बिल्कुल बच्चे थे बिल्कुल, ना। हाँ नेक्स्ट डे फिर हम लोग चाय पीने ही गए थे। एक ना अच्छा आपने पिलाई, एक मैंने पिलाई चाय, तो अच्छा बिल्कुल है, बढ़िया है, बट सारे बच्चे अच्छे हैं। देखिए बात वही होती है, अगर स्टूडेंट अच्छे हो ना, टीचर को भी अपने आप में अच्छी फीलिंग आती है, और फिर नो लगता डाउट, है कि जो क्या ना कर दे उनके लिए, ये चीज है। और आप बिलीव करो, स्टूडियो में चलो फीस तो एक अलग बात होती है, लेकिन जब कुछ पार्टी कुछ फंक्शन होता है, मुझे लगता है कि यार इनके लिए कितना एक दिन में क्या ना कर दिया जाए, क्या तो नहीं ये यार, अच्छा बिल्कुल अच्छा लगता है, तो वो चीज है। और अभी मैं नॉर्मली ड्राइंग कर रहा हूँ अभी, जैसे कि जो हिसाब से आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट, वैसे तो ये एक प्रस्पेक्टिव जो उसमें दिख रहा है ऑलमोस्ट, हल्का टिल्ट होते हुए 2 पॉइंट की हो रहा है हल्का सा, अगर आप देखोगे
तो क्योंकि सबसे जरूरी होता है जब लाइव ड्राइंग जाते हो तो आपको पहले देख जरूरी है किसी बिल्डिंग को, अगर आप कॉर्नर से देख रहे हो तो ऑलमोस्ट वो 2 पॉइंट की ओर होता है। अगर एक हल्का सा टिल्ट ये है और एक हल्का सा टिल्ट ये, तो आपका एक लाइन किसी वन वेनिसिंग पॉइंट से होकर आ जाए, दूसरा सेकेंड उससे आती है। अगर यही बिल्कुल लाइन प्रॉपर एकदम स्ट्रेट होती तो उसको हम 1 पॉइंट में फील कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो होता है ना, जैसे कि फोटोशॉप का अपडेट वर्जन होता है कि उसमें पुरानी फाइल चल जाती है, ऐसे 2 पॉइंट में भी होता है। 2 पॉइंट में 1 पॉइंट का हम फील कर सकते हैं, ठीक है? तो वही बिल्कुल चीज है। तो 1 एंड 2 दोनों ही सिम होती चीजें, क्योंकि अगर 2 है तो बिना बिना 1 की तो वो पॉसिबल नहीं है वो चीज। तो वो सारी चीजें, तो अभी एक रफली मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, और जरूरी नहीं है कि मैं हर डिटेलिंग इसमें ऐड करूं। मुझे लगता है कुछ अच्छा पार्ट है इसमें तो मैं उस चीज को ऐड करने की कोशिश करूंगा। कुछ लगेगा कि मतलब इसमें चीज हटानी तो आप हटा भी सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कॉम्पोजिशन मेथड के हिसाब से, कभी अगर मान लो एक ट्री अगर सेंटर लाइन से आ रहा होता, अभी जैसे आप रेफरेंस में देख सकते हो, अगर मान लो जैसे कि आप लोग को रेफरेंस दिख रहा है, अगर मान लो कोई बीच में एक सेंटर में ट्री होता उसको हम हटा सकते थे, क्योंकि वो फिर पेंटिंग को ब्रेक कर देता। तो अभी हिसाब से तो डिस्टर्ब ये रेफरेंस, हाँ बिल्कुल, तो साइड में है तो सारी चीजें अपने हिसाब से, लेकिन कुछ चीजें मैं चेंज करूंगा, कुछ ह्यूमन फिगर, कुछ बर्ड्स का पार्ट ऐड करूंगा, जिससे कि आप लोग को एक चीज सीखने को मिलेगी कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करना है तो बिना डर के काम कर सकते हो। तो है। ये एक चीज बच्चे का है। क्वेश्चन ये है कि सर मैं जब भी वाटर कलर वगैरह करता हूं तो फेड हो जाता है। ओके, ठीक है। देखिए कभी कभी ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती थी एक टाइम पे, लेकिन प्रॉब्लम वो इसलिए होती क्योंकि जब कभी कभी क्या होता है, अगर आपको डार्क शेड बनाना है ना, तो आप लोग क्या करते हो वाटर ज्यादा यूज कर लेते हो। वाटर क्या होता है कि कलर किसी वाटर के साथ मिक्स होते ही वो उसको एक उसका जो एक डेंसिटी होती है वो ज्यादा ही बढ़ मतलब कि बढ़ जाती है एक, तो उसकी वजह से वो चीज बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है। लेकिन आपको जब अप्लाई करते हो उस टाइम तो वो चीज दिखती है कि फ्रेशनेस है, लेकिन ड्राई होने के बाद वो चीज गायब हो जाती है। तो प्रॉब्लम मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपको 4 नंबर डार्क करना है ना, तो आप 6 नंबर बनाओ, मेरा ये मानना है। उससे क्या होगा, अगर आपको लगता है कि मुझे इतना डार्क दिखाना है तो उससे थोड़ा ज्यादा डार्क बनाओगे तो ड्राई होने के बाद अपने आप ही वो चीज बैलेंस हो जाएगी। वो एक चीज ये भी है कि थोड़ा सा ब्रांड्स का इश्यू होता है कलर पिगमेंट में, तो अभी जैसे कि बहुत महंगे महंगे ब्रांड भी होते हैं, क्योंकि अभी आप हो सकता है कि इतना नहीं कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से तो कैमलिन में यूज करता हूँ। और ऐसा नहीं है कैमलिन में भी अच्छा होता है, और तो अभी मैं उसमें काम करके दिखाऊंगा, देखना मैं कैसे मैं कलर पैलेट में कैसे कलर मिक्सिंग करता हूँ, मैं दिखाऊंगा। तो आप खुद देख सकते हो ऑलमोस्ट मेरी पैलेट में जो शेड्स हैं वो कहते हैं कैमलिन के ही है, एक थोड़ा कुछ ये भी डिफरेंट इशू शेड होता है आपके। कि एक थोड़ा ये भी इशू होता है कि शायद 3 से 4 कलरों को एक साथ मिलाकर अगर जब हम लगाते हैं तो वो फेड पड़ता है। 1 से 2 कलर को हाँ मिलाकर अगर हम कलर को लगाएं तो वो बेहतर है। ये भी है। कभी कभी क्या होता है कुछ कलर, जैसे कि कुछ कलर स्कीम ऐसी होती है, जैसे मैंने ब्रंट अम्बर एंड ब्लू हो गया, आप उसका एक इस कलर स्कीम यूज कर सकते हो। खासकर एक अगर मैं ट्री की बात करूं, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ट्री हमेशा पढ़ाया जाता है ग्रीन कलर का होता है हमेशा, क्लास 2 में, क्लास 3 में। लेकिन जैसे जैसे आपकी थोड़ी सी एक होता है ना एक आर्टिस्टिक की, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपको ट्री में डिफरेंट टाइप के शेड्स दिखने लगते हैं। आपको उसमें येलो के शेड्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, आपको पर्पल भी दिखता है, ग्रीन के कई सारे लाइट एंड डार्क शेड दिखते हैं। तो ये चीज है, तो थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वाटर कलर सिर्फ 1 या 2 साल का पार्ट नहीं है, पूरी लाइफ की जर्नी है। क्योंकि जितना आप करोगे, जितनी गलतियां करोगे उससे सीखोगे, क्योंकि जितना जब तक हम गिरेंगे तब तक हम लोग खड़े नहीं हो सकेंगे। तो ये चीज है, थोड़ा टाइम लगता समझने में, क्योंकि अगर आज इतना यहाँ तक पहुंचा हो तो बहुत सारी चीजें खराब भी हुई, ऐसी बात नहीं है, और गलतियां भी होती हैं, अभी भी होती है मेरे से गलतियां, लेकिन शायद आपको ना दिखे, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ मुझे कहाँ कम मेरे में कहाँ पे कमी है। लेकिन बिल्कुल मैं तो अपना हमेशा अच्छा पार्ट ही आपको शो करूंगा कि आपको वो चीज दिखे। तो ये चीज है, बस मेहनत करना मत छोड़ो, वो एक ऐसी चीज है ना कि वो आपको बाद में काम आएगी। और एक अपना एक्सपीरियंस है कि आर्ट एक ऐसी चीज है जो आप कभी बोर नहीं करते, सबसे बेस्ट चीज तो ये है। तो अभी नॉर्मली बेसिक से ड्राइंग से आउटलाइन आउटलाइन में काम कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आपको एकदम विंडो की एकदम लाइनें दिखानी, आप डायरेक्टली कलर से भी बना सकते हो। एक जितना फ्री करोगे उतना अच्छा रहेगा। और जैसे नॉर्मली ट्रीज है तो उसको आप हल्का सा आउटलाइनिंग करके छोड़ सकते हो। और आप लोग एक बेसिक डेमो दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि देखो बहुत एडवांस से क्या होगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि ठीक है, मैं बिल्कुल चाहता हूँ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या जरूरी डेप्थ कैसे बिल्कुल क्रिएट करते हैं आप उसको। बेसिक ही बताएं, एडवांस के लिए दोबारा बुला लेंगे। ठीक हाँ है बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज है। तो अभी देखते हैं कि स्टार्ट करते हैं, पहले बैकग्राउंड में कलर क्या होगा, और जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, एक मैं दिखा दो रेफरेंस पहले, अभी रेफरेंस आपको दिख रहा है कि बैकग्राउंड में भी एक बहुत ज्यादा शार्पनेस दिख रही है ट्री की, बट उसको मैं सॉफ्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा जो आपका मिडिल ग्राउंड में जो आपका ये हाउस आ रहा है इस पे ज्यादा फोकस रखूंगा। तो अभी क्या कलर स्कीम होगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो
तो पहले हल्की से एक बेसिक से ड्राइंग तो ऑलमोस्ट डन हो ही चुकी है, क्योंकि मैं ट्री को ज्यादा आउटलाइनिंग नहीं करता, मैं डायरेक्टली कोई इसको मैं डायरेक्टली बनाऊँ, जितना मैं फ्री करूंगा उतने अच्छा रहता है। तो इतना मैंने नॉर्मली ड्रॉ कर दिया है एक बेसिक वे में, इतनी ड्रॉइंग इनफ होती है वाटर कलर, ज्यादा आपको डिटेलिंग नहीं करनी है। जी एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर आपका फेवरेट वाटर कलर आर्टिस्ट कौन है? मेरा फेवरेट वाटर कलर आर्टिस्ट में बताऊं तो मैं श्री प्रफुल्ल सावंत सर जी हैं, क्योंकि उनसे मैंने शैडो बनाना सीखा। एक्चुअली शैडो कैसे दी जाती है, तो वैसे तो ऐसे दो तीन आर्टिस्ट मेरे हैं, प्रफुल्ल सावंत सर हो गए, बाकी अगर हम मिलिंद मलिक सर की बात करें तो हम लोग जब हम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट ज्वाइन करते तो उनकी पहली बुक थमा दी जाती है हाथ में। और एक्चुअली सीखने के लिए अगर बात करें तो सीखने के उनका मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि उनकी जो कलर स्कीम है और क्या कहते हैं जो एक फ्लो है काम में, वो हमें बहुत ही इजी वे में समझ एक्सप्लेन कर देता है वो चीजें, मेरा कहने का मतलब उनसे आप मतलब मेरे हिसाब से देख सकते कंजेस्टेड हो। नहीं है, बाकी तो जितने भी वाटर कलर हैं कंपोजिशन कंजेस्टेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल से बिल्कुल प्लेन बिल्कुल स्पेस। सिंपल सीखने के लिए बेस्ट है, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, तो वो चीज है। तो हल्का सा मैंने एक बस नॉर्मली आउटलाइनिंग क्रिएट कर दी है, और बाकी देख लेंगे क्या ऐड हो सकता है बाद में। फिगर तो फिगर बर्ड इस चीज बात का पार्ट है, आप नॉर्मली डायरेक्टली भी कर सकते हो। और एक बहुत जरूरी होता है, आप फ्री हैंड ड्राइंग करते हो तो आप थोड़ा सा ह्यूमन फिगर स्टडी करो, जितना आप फ्री होकर करोगे जितना डर निकलेगा उतना आपके लिए आपके हाथ चलते रहेंगे। आप वैसे मैं बात कर रहा हूँ तो बात भी कर रहा हूँ ड्राइंग भी हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज फ्रीली मतलब मेरे से हो सकती है बात करते हुए। और वो भी एक बोल सकते हो कि एक आइडिया भी हो गया, काम करते करते चीजें आ ही जाती हैं। तो फाइनली मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। और एक चीज सबको बोलना चाहूंगा, जब भी आप लोग पेंटिंग करते हो खासकर वाटर कलर, तो एटलीस्ट 30 डिग्री एंगल पे उसको बेंड कर सकते हो। बराबर पेपर रखने से क्या होता है कि पानी एक ही जगह पे स्टोर होता है और वो आपकी पेंटिंग में पैच क्रिएट कर देता है, जितना उसका फ्लो नीचे की ओर आएगा उतना आपके लिए एक सॉफ्टनेस एक स्मूथनेस आएगी पेंटिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पेंटिंग में सॉफ्टनेस नहीं आ रही है, और कोशिश करो कि कम पैचेस में कंप्लीट करने का ट्राई करो, ज्यादा डिटेलिंग पे फोकस मत करो। डिटेलिंग तो हो ही जाएगी लेकिन एक दिए गए टाइम पे काम कंप्लीट करना एक अच्छे आर्टिस्ट की क्वालिटी होती है, मेरा जो भी मानना है। तो बस, और बाकी एकदम एंजॉय करो, समझो कि आप एकदम फ्री होकर काम करो, कुछ भी कलर स्कीम कुछ भी कलर अप्लाई करके एकदम फ्लो के साथ वर्क करो। तो फाइनली ड्राइंग तो मेरी हो चुकी है, कुछ चीजें जो होंगी बीच बीच में बनती जाएंगी। और बाकी जैसे वहां पे मैं हल्का सा गेट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप बाकी सभी लोग को समझ में आ रहा होगा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बच्चे का चीजें। क्वेश्चन है शायद मीनाक्षी बोरा है सर, कि पोर्ट्रेट के अंदर डिफिकल्टी होती है जब हम पोर्ट्रेट बनाते हैं वाटर कलर में, तो कोई टिप्स हैं पोर्ट्रेट के लिए? देखिए सबसे पहली चीज तो बेसिक, मैं सबसे पोर्ट्रेट का देखो पूरा पार्ट होता है मिक्सिंग, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बेसिक से स्टार्ट हो आपकी मिक्सिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, पोर्ट्रेट में गलती के नो चांसेस, क्योंकि हल्का सा भी कलर शेड लग गया तो आप उसको या तो फिर रिमूव कर रहे हो, उससे क्या होता है कभी कभी फेस में हार्डनेस आ जाती है। तो पोर्ट्रेट एक सेकेंड स्टेप है, पहले अगर आप चाहो तो बेसिक लैंडस्केप की प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे क्या होगा आपका हाथ खुलेगा, आप कलर स्कीम को पहचान जाओगे, उससे क्या होगा आप इजली आप उसको फेस पे अप्लाई करके देख सकती हो। और पोर्ट्रेट करने से पहले आप जैसे कि आईज को अलग ट्राई करके देखो, नोज को अलग वे में ट्राई करके देखो, उससे क्या होगा आप थोड़ा सा खुलोगे उस चीज में, एंड फिर बाद में चीजों को कंबाइन करके आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। और जरूरी नहीं होता कि बड़ी सीट पे काम को छोटे स्पेस पे भी थोड़ा चला के काम देखोगे तो आपको ईजी होगा समझना, और जल्दी वो चीज आपको आ जाएगी समझ में। तो ये चीज है, तो एक बेसिक से ड्राइंग हो गई है, और अब मैं चाहूंगा कि इसमें मैं थोड़ा सा कलरिंग स्टार्ट करूं। और जैसे कि इसमें अगर आप देखो कि कलरिंग के लिए आप पहले कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग हाउस में काम करने लगते हैं, कुछ लोग ट्री बनाने लगेंगे, बट मैं क्या करूंगा पहले बैकग्राउंड से स्टार्ट। मेरा जो तरीका है, देखो सब हर आर्टिस्ट का अपना अपना बेस्ट पार्ट होता है, बट जो मेरा पार्ट है वो मैं बैकग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड से अगर बाई चांस कोई पैच इसके ऊपर भी आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट मेरा मेन ऑब्जेक्ट डार्क में है ना, तो वो उसको हाइड कर लेगा। अभी इसमें इसमें किया काम, ठीक है डार्क में, तो तक अगर मैं ब्लू कर रहा हूँ तो उसका पैच अगर उसके ऊपर ओवरलैप होकर के आता है तो मे बी वो चीज डेप्थ हाइड हो जाती है। दैट्स वाई मैं पहले बैकग्राउंड कर लेता हूँ लाइट बेस में, देन फिर पीछे का जो ट्री दिख रहा है वो उसको ट्राई करूंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं, और अभी जैसे कि मैं स्काई के लिए थोड़ा सा अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड हल्का सा क्रिम्सन रेड लूंगा, बहुत ही लाइट बेस में, क्योंकि ज्यादा डार्क इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा मेन ऑब्जेक्ट डार्क में है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर डेप्थ खत्म हो जाए। और एक ग्रेडियंट वॉश दूंगा डार्क टू लाइट, जिससे कि और अच्छी डेप्थ फील है। तो इसको फिर हम स्टार्ट करते हैं, और अभी जैसे मेरे पास एक फ्लैट ब्रश है, जितना बड़ा ब्रश होगा उतना आपका टाइम बचेगा, आप उतना फ्रीली होके आप वाटर अप्लाई कर सकते हो और जल्दी काम होगा। तो
अच्छी बात ये होती है कि फ्लैट बस का बेस्ट पार्ट ये भी होता है कि आप फ्री होके काम कर सकते हो और कम टाइम में आप ज्यादा स्पेस कवर कर सकते हो। ठीक है, और जैसे मेरे पास ये कलर पैलेट है मेरी, इसमें डिफरेंट टाइप के शेड्स हैं, अधिकतर कुछ कैमलिन के अलग अलग क्रोम अलग गैम्बोज यू है, लेमन येलो, ऑरेंज, क्रिम्सन एंड डिफरेंट टाइप के सारे शेड्स हैं। और पेंटिंग करने से पहले आपको कलर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कितने टाइप के शेड्स होते हैं वाटर कलर में, एटलीस्ट कैमलिन के तो याद कर लो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर उससे स्टार्ट कर रहे हो। और सबसे पहले हम लोग, और एक चीज से कभी कभी क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि हम लोग काम करते हैं पेपर पे और जब तक हम कलर बनाते हैं उतनी देर में पेपर ड्राई हो जाता है और पैचेस आने लगते हैं। तो आपको अगर टाइम बचाना है तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जो आपको स्काई में कलर लगाना है उसको पहले पैलेट में बना लो, ओके, देन फिर उसके बाद वाटर अप्लाई करो और इंस्टेंट उस चीज को तुरंत आप कलर स्प्रेड कर दो। उससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा और वो चीज सॉफ्टनेस भी आ जाएगी। तो पहले मैं क्या करूंगा कि पहले कलर शेड बना लेता हूँ, जैसे कि मैं ले रहा हूँ अल्ट्रा मरीन ब्लू, ओके। और एक चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोग बोलते हैं कि मेरी पेंटिंग डल हो गई है या कलर उतने फ्रेश नहीं आ रहा, उसका रीजन क्या होता है? जैसे मान लो मैंने ब्लू कलर पिक किया, ठीक है, फिर क्या होता है कुछ लोग उसी को रेड में डुबो देते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है वो क्या होता है कलर की जो एक फ्रेशनेस को डल कर देता है। तो कभी भी अगर आपने जैसे ब्लू को मिक्स किया है तो ब्रश को तुरंत क्लीन करके दोबारा आप कलर को पिक करो, उससे क्या होगा ना आपकी कलर की फ्रेशनेस बनी रहेगी। मैंने ब्रश को क्लीन करके तब मैं हल्का सा क्रिम्सन लूंगा, उससे क्या वो कलर की फ्रेशनेस दिखेगी। तो ये चीज आप लोग तो ट्राई करके जरूर देखिएगा। एक बहुत ही लाइट शेड मैंने बना दिया है, बहुत ही लाइट है, अभी अप्लाई करूंगा तो और ज्यादा लाइट हो जाएगा। और उसको करने से पहले मैं थोड़ा सा फ्लैट ब्रश की हेल्प से एक क्लीन वाटर अप्लाई कर देता हूँ। और आज सुबह से ही मैं लाइव का वेट कर रहा था, जल्दी टाइम आए एंड आज का दिन। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, कल हम लोग का एक ग्रुप है आउटडोर करने जा रहा है क्राफ्ट म्यूजियम, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है, हम लोग का एक ग्रुप कल मॉर्निंग में 10 बजे सबको पहुंचना है क्राफ्ट म्यूजियम, तो वहां सारे आर्टिस्ट बैठ के काम करेंगे। तो अगर आप लोग में से किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है। उससे क्या होगा ना कि सारे आर्टिस्ट बैठ के काम करेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग कुछ सीखने को मिलेगा, हर आर्टिस्ट का अपना अपना बेस्ट पार्ट होगा, तो किसी को आना है वो आ सकता है। जो भी जाना चाहे जाता है, कोई वो नहीं है, और ये जो जितने भी आर्टिस्ट हैं काटते नहीं है, जाना चाहिए इनके पास, बातचीत करनी चाहिए। और सब फ्री होता, कुछ लोग बोलते हैं इसका कुछ चार्ज नहीं होता, सब फ्री होता है, आप आओ काम करो, यही एक अपने आप में एक पैसा वसूल। मुझे देखो IWS कितना अच्छा प्रोग्राम था जो अभी IWS वाला हुआ, कितने लेजेंड का डेमोन्स्ट्रेशन हमें फ्री में देखने को मिला। सही, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे मौके बहुत ही कम मिलते हैं। और अभी बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अब मिस हो गया, अब नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करना। तो वो चीज है, बहुत ही लाइट अप्लाई किया, बहुत ही ज्यादा मैंने डार्क नहीं किया क्योंकि मैं करना नहीं चाहता हूँ। और हाथ को कभी कभी क्या होता है, कभी कुछ चीजें आप लोग सोचते होगे कि आपने कलर अप्लाई तो कर दिया लेकिन फिर बाद में लगता है यार क्यों अप्लाई कर दिया, शायद नहीं करना चाहिए था, ये चीज होती है, कभी कभी माइंड में आ जाती है। तो वो चीज है, तो ऊपर हल्का थोड़ा सा मैंने हल्का सा ब्लूइश शेड दिख रहा हूँ, बाकी नीचे थोड़ा सा लाइट है और उसको मैं प्लेन व्हाइट भी छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही हल्का सा ब्लूइश, बस मेरे को हल्का सा एक थोड़ा सा एक ब्लूइश शेड दिखाया था, मैंने हल्का सा एक बेस दे दिया है। अब मैं क्या काम करूंगा, कभी कभी क्या होता है कि अगर बैकग्राउंड, जैसे कि हमेशा एक वाटर कलर की टेक्निक होती है लाइट टू डार्क चलते हैं, अगर आपने डार्क कलर पहले अप्लाई कर दिया ना तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आपको लाइट करना है तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसके ऊपर फिर आप ओपेक कलर अप्लाई कर रहे हो, तो ओपेक तो उसको सबसे बाद में एक लास्ट ऑप्शन रख सकते हो, कहीं टचिंग करनी तो आपने डायरेक्टली कलर लिया उसको ओपेक फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि गलती ना हो गई तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो चीज है, तो अभी मैं क्या करूंगा कि बैकग्राउंड के ट्रीज के लिए मैं कलर शेड ले रहा हूँ, उसके लिए मैं ले रहा हूँ एक लाइट ग्रीन शेड है मेरे पास, दिखा देता हूँ, एक ही लाइट ग्रीन है और एक मेरे पास एक टर्कोइज बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, मैं इसको अप्लाई जरूर करता हूँ खासकर ग्रीन में, अगर ये पैलेट होती तो अप्लाई करता हूँ, कभी कभी मेरी दूसरी पैलेट स्टूडियो में रखी होती तो वहां पे शेड अभी नहीं है, बट फिर भी ये एक टर्कोइज शेड है, ये एक सुपर विजन आर्ट करके एक स्टोर है, उससे मेरे को एक मिला था, तो अच्छा है शेड, मतलब मैंने यूज किया। और अगर आप लोग लगता है कुछ ऐसे शेड्स हैं जो आपके पास नहीं, तो आप उसको लूज में परचेज कर सकते हो, पूरा सेट जरूरत नहीं है कि आप 8-9 हजार रुपए का सेट ले रहे हो। जो है ये कौन सी कंपनी का लिया आपने? ये सुपर विजन करके एक वैसे ये चाइनीज ब्रांड है, वैसे तो ये वो एक्चुअली मेरे को गिफ्ट आया। इसका ट्यूब मतलब कितने तक का आ जाएगा, जैसे मिशन गोल्ड का अगर मैं टर्किश
इस ग्रीन ऐसे टी का, आएगा उसका, इसका तो 600 या 700 का है वो। अच्छा इसका आपको 250 से 300 के बीच में मिल जाएगा। फिर ठीक है। हाँ अलग अलग उसके हिसाब से, मैंने जैसे कलर लाइट ग्रीन और टर्कवाइज मिक्स करके मैंने शेड बनाया, काफी ब्यूटीफुल कलर, मतलब एक शेड आता है। अभी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा तो आप देख पा जाओगे, और ये प्रॉपर वेट ऑन वेट हो रहा है काम, और बहुत ही एक बार में काम करके छोड़ देना है। कुछ जरूरी नहीं कि आप उसमें चला रहे हो, आप अपने हिसाब से वो अपने आप फ्लो हो जाएगा। वाटर ऐसी चीज है ना कि आप मान लो ग्लास में पानी लेके आप उसको जमीन में डालते हो तो आप पे आपके हिसाब से वो नहीं स्प्रेड होगा, वो अपने हिसाब से होगा। तो ऐसे इसमें भी होता है कि कलर, अब ये है कि अगर आपको कम स्प्रेड करना है तो आप वाटर कम यूज कर सकते हो, यानी जो जैसे आप बैकग्राउंड में तो ऑलरेडी वाटर है, लेकिन कलर में आप वाटर कम यूज करो। लेकिन अगर मुझे ज्यादा स्प्रेड करना है तो पहले मैं हल्का सा लाइट, हल्का का बहुत ही स्मूथली, बस ऐसे ब्रश रखोगे अपने आप ही वो एक आर्टिस्टिक वे में एक पैच क्रिएट हो जाएगा, बस आपको जरूरत ही नहीं कुछ करने की। और अगर थोड़ा डार्क करना है तो थोड़ा स्लैब ग्रीन ऐड कर सकते हो, या थोड़ा फ्रंट अंबर ऐड कर सकते हो। जैसे मैं हल्का थोड़ा फ्रंट अंबर भी लूंगा, पूरा एक ही शेड में दिखाऊंगा, उसी कलर मैंने हल्का सा फ्रंट अंबर मिक्स कर लिया है, तो हल्का थोड़ा ब्राउनिश, थोड़ा सा एक थोड़ा ड्राई लीव फॉर्म में मुझे थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये चीज। और हल्के कुछ स्प्रेड ऐसे कर सकते हो, थोड़ा और अच्छा लुक आता है इस वे में। और अभी ये बैकग्राउंड हो रहा है, अभी मैं इसके थोड़ा डेप्थ क्रिएट करने के थोड़ा मैं डार्क कर दूंगा आगे की, तो एक अपने आप वो चीज एक आउट ऑफ, मतलब डेप्थ में क्रिएट हो जाएगी, एक आउट ऑफ फोकस में क्रिएट हो जाएगी वो चीज। बच्चे पूछ रहे हैं हल्का था सस्ती और अच्छी ब्रश कौन सी रहेगी वाटर कलर की। सही बताऊं तो आप, मैंने 5 से 6 साल से मैं सिंथेटिक हेयर वैसे यूज किया है, तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि आप ये माउथ ब्रश लो, 2-2.5 हजार रुपये खर्च करो, कोई मतलब नहीं है। नहीं जो आपको लगे सीरियसली, कि आप आप कोई कैमलिन की जो आता है, मतलब कैमलिन नहीं का है, फेबर कैसर का जो सेट आता है उससे भी बड़ा जबरदस्त होता है। बस सबसे बेस्ट वही मैंने यूज किया है, और मुझे और अभी भी यूज कर रहा हूँ। देखो सिंथेटिक हेयर है, कोई कोई दूसरा ब्रश भी नहीं है नॉर्मली, तो वही इफेक्ट होता है, बस वही होता है, बस एक सोबाजी होती है, बस यही बोलूंगा सारी चीजों में। हाँ सही में, मतलब इतना तो काम करते करते एक्सपीरियंस हो गया है कि हर चीज थोड़ा सा, अभी हल्का थोड़ा गैम्बोज ह्यू ले रहा हूँ, थोड़ा लाइट मुझे दिखानी बैकग्राउंड, तो हल्का सा गैम्बोज ह्यू का थोड़ा शेड साथ में मिक्स कर दूंगा, जिससे कि हम एक सनलाइट का फील ले सकें बैकग्राउंड में। और थोड़ा बहुत ही आराम, पेशेंस, मतलब कि थोड़ा पेशेंस बना के रखें, जल्दबाजी नहीं करनी कि अरे काम निकल के नहीं आ रहा है। आप बिलीव करो कि इतने टाइम से वाटर कलर मेरे को हो गया, 7 to 8 years हो गए करते करते, बिल्कुल आता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं आता था मुझे तो। बट जब थोड़ा सा मेहनत करी, प्रैक्टिस करी कि नहीं अच्छा करना है तो बिल्कुल अच्छा होगा, ये बस थोड़ा सा अपने अंदर एक जोश बना के रखो काम सीखने का, तो अपने आप ही आएगा, आपको उसके लिए कहीं जाना नहीं है, चीजें अपने आप आ जाएंगी, बस पेशेंस जरूरी है हर चीज में। बहुत जरूरी, और अदर मीडियम से तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है वाटर कलर। अदर सही है, सही मीडियम बात से है, बहुत ज्यादा समय, राइट 2 गुना समय ले लेता है। हाँ राइट राइट। और बस थोड़ा सा क्लीन वाटर अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा जैसे कि यहाँ पे डेप्थ क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा ऐसे क्योंकि ये मैं डार्क करूंगा तो उसके बाद फिर यहाँ पे कलर नहीं हो पाएगा, तो पहले मैं हल्का सा येलोइश शेड छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि डार्क करूँ तो अपने आप मुझे डेप्थ में कैसे निकालेंगे वो, खासकर आप लोग को थोड़ा मिली मलिक सर की पेंटिंग में दिख जाएगा वैसा इफेक्ट, मतलब उनसे तो मतलब हम लोग सीखते हैं, मैं बता रहा हूँ कि उनका मतलब हम लोग काम देख के ही मतलब सीखते हैं सारी चीजें तो वो चीज है। तो हल्का सा गैम्बोज ह्यू एंड लाइट ग्रीन मिक्स कर रहा हूँ, और एकदम फ्री होकर काम करो, बस एकदम ब्रश ड्राई स्ट्रोक्स एकदम चलाओ, कुछ नहीं ऐसा एकदम, जो ये स्ट्रोक होता है ना, ये इसके इसको लगाने के लिए अपने अंदर एक बहुत हौसला लाना लाना पड़ता है, इन लोग लगता रह सकते हैं ऐसा ना पेंटिंग खराब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम फ्री होकर काम हाँ करो, सब अच्छा है मैं तो यही बोलूंगा, सब अच्छा है, कुछ खराब नहीं होता है, बस करते जाओ काम। पर इस तरीके से भी आप ऐसे ऐसे भी थोड़ा सा इस तरीके से आप, उससे और अच्छा लुक आएगा। लोग बिलीव करो कि आप लोग की मतलब के सर ने ये डेमो ऑर्गेनाइज कर दिया, तो यहाँ पे तो बहुत मतलब ये होता है कि मतलब बहुत ही मौका कम हो पाता है कि मैं डेमो ऐसे दे पाऊँ, सही बता रहा हूँ, मतलब हाँ लाइव आने का वही है समय लाइव थोड़ा सा पता है मुझे भी, समय थोड़ा। स्टार्टिंग में एक्चुअली अभी भी मैं भी अरेंज बहुत मुश्किल से अरेंज कर पाता हूँ। सोचता हूँ कि इधर उधर के वर्क दुनिया भर के ऐसे रहते हैं, पर सोचता हूँ कि थोड़ा ना हाँ ये धर्म का काम जरूरी है। नहीं जरूरी जरूरी है, और एक अच्छी बात है कि आज के जितने भी आर्टिस्ट जो निकल रहे हैं उनसे कुछ सीखने को मिले ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, तो और मतलब मैं लोग उन्हीं आर्टिस्टों को लेके आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नामचीन को लाने की जरूरत है, नहीं,
मैं कोशिश हाँ करता हूँ कि जो जिसका काम सच में अच्छा है, तगड़ा है, भले उसके नाम हो या ना अरे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट मुझे थैंक यू, ये काम तो अच्छी दिखना बात चाहिए। अब है, जो कल बिल्कुल आर्टिस्ट आ रही है, बिल्कुल। कल भी आ रही है, तो उनका नाम अच्छा बड़ा डिफिकल्ट है। कल आ रही है, ऑयल में है, शायद वो थर्ड ईयर में है, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर होंगी आई थिंक, मुझे इतना भी पता नहीं है मैं, लेकिन क्या नाम है? ऑयल के अंदर डेमो होगा उनका, ऑयल के अंदर। मैं नाम बताता हूँ, इसमें उनका नाम सुरभि का? नहीं, नहीं, एक नाम थोड़ा सा एस से शुरू है, थोड़ा भूल जाता हूँ, बट ऑयल में इतना अच्छा और जबरदस्त नाम है ना, ये तो अच्छी जबरदस्त। बात है। चलो मैं भी ज्वाइन करूंगा बिल्कुल। मैं तो मैं मतलब तो वही है कोशिश कि बिल्कुल कर रहा हूँ। आज मैंने कलर स्कीम जो अप्लाई कर रहा हूँ, ये जो कलर है ये आपका अल्ट्रा मरीन ब्लू विथ सैप ग्रीन है, थोड़ा डेप्थ क्रिएट करने के लिए। जितना देखो वेट ऑन वेट अच्छे से हो सकता है स्टार्टिंग, उतना अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे कि नॉर्मली इस तरीके से भी आप कलर स्प्रेड कर सकते हो, मजा आती है ऐसे काम करने में। जो फ्लो आता है ना उसकी बात ही अलग होती है। और रेफरेंस तो हटा ही दो, जो आप काम करते हो ना अपनी स्टाइल में उसकी उसका मजा ही अलग होता है। मेरा तो मतलब ये मानना उनका नाम है संयुक्ता कुड़तारकर। अच्छा। ओके ओके, शायद मैंने देखा उनका काम, मैंने अरे अच्छा, शायद मतलब मैंने घर देखा है, घर का किसने वो मेरे को उनकी बताया था उनकी उनके शागिर्द बारे है, में। इसलिए उनकी शागिर्द है, आचरे आचरे जी आचरे कर सर की, उनकी अच्छा अच्छा शागिर्द। ओके 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 हाँ ओके उनकी ओके ओके, शागिर्द है, कल उनके स्टूडियो से ही लाइव आएंगी वो। अच्छा ओके ग्रेट, बढ़िया। और कल का, हाँ जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, कल का लाइव शाम को 5 बजे होगा, नहीं ना कि 9 बजे, क्योंकि वो इतनी रात तक स्टूडियो नहीं रुक सकती, तो 5 बजे है कल सही, का, जितने भी लोग देख रहे हैं। नहीं सही है। सब लोग, मैं तो बोला सब लोग ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि तो समझो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, ऐसा कहीं होता नहीं है, समझो बहुत ही सीरियसली मुश्किल अपने ही होगा टाइम पे ऐसे तो। अरेंजमेंट नहीं था, हमारे टाइम पे तो मैंने आज तक कोई वाटर कलर किसी टीचर को करते नहीं देखा था मेरे टाइम पे। अच्छा ओके, देखो नहीं हमारे टीचर समझता देर को तो हूँ, दूसरी बात, क्लास में आना भी बहुत दिक्कत, मतलब ऐसे थे, मतलब नहीं आते ही नहीं थे। अब हर जगह का यही है, हर जगह का यही है, मैं ना वही बड़ा प्रॉब्लम सीधा बोलता होती हूँ, मैं मुंह पे बोलता हूँ जो है हकीकत। कई लोग लिहाज है। कर ये लेते सही हैं कि यार कल को बात फील्ड में मिलेंगे तो वो बोलेंगे कि यार के तू कुछ भी बोलता है। अब जो सच है वो सच है, मुझे कोई नहीं बोल है, सकता कि सर आपने वो पढ़ाया सच नहीं। है, सही कल को मैं सही कहीं बात है, रोड पे सही फील बात है, हूँ तो मुझे कम से कम मेरा स्टूडेंट गर्व से तो देखा, यस के सर है, हमारे सर है, सही इन्होंने सही बात पढ़ाया। है, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो ये फील आए, हर आर्ट्स कॉलेज प्रॉब्लम है एक्चुअली, डेमो देना कोई चाहता ही नहीं है। कोई नहीं चाहता। और और आपने मैं देखा मतलब अपने बोलना ही आईडब्ल्यू में चाहूंगा, थे कितने लोग आपके पास आ रहे थे, कितने लोग मेरे पास जिन्हें हम जानते भी नहीं। हाँ, और सही में वो लोग यही बोल रहे थे कि सर आपका डेमो नहीं है, सर आपका डेमो नहीं है, ऐसे भी लोग कुछ बोल रहे थे, क्योंकि उनको था कि हमसे कुछ सीखे सामने आकर के, ये चीज थी। जरूर बट अच्छा जरूर, लगा, बट कोई बात नहीं, वो तो कभी आज नहीं तो कल, कभी ना कभी होएगा। हाँ ये नहीं एक्चुअली चीज है। एक कैंप होने वाला है पुणे के साइड में होगा, मैं जब याद करूंगा ओके शालिनी मैम से बात बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल, पुणे में होगा ओके तब याद ओके। करूंगा। और एक चीज अभी मैं और बोलना चाहूंगा, जैसे आपने पुणे का नाम लिया, मेरा अपकमिंग एक डेमो है, लाइव डेमो डेमोन्स्ट्रेशन है, वो मेरा मुंबई में है कमिंग 9 अप्रैल को। तो अगर जो मुंबई के स्टूडेंट्स हैं वो तो वो डेमो ज्वाइन कर सकती हैं, बाण गंगा वल्खेश्वर में मेरा डेमो होगा। जरूर बट वो थोड़ा सा पेड है एक्चुअली वो, क्योंकि वो डेमो पेड है, ठीक है, बस लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ नहीं, इतना उसमें होता है एक्चुअली क्या थोड़ा कि। बहुत, पर चीज को अगर देखो हाँ अभी हम ऑनलाइन देख रहे हैं, बस इसी चीज को अगर सामने से देखना है तो थोड़ा बहुत चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलता है। थोड़ा बहुत ऐसी बात यह है कि धूप में खड़े होकर मैं काम जरूर सिखाऊंगा, लेकिन भाई धूप मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करती, लगता है बस काम होना चाहिए और सीखने को आना चाहिए, सीखने को मिलना चाहिए स्टूडेंट। और ये चलो आने आने खर्चा निकल जाएगा, बस बहुत है मेरे को, कुछ ऐसा नहीं कमाना है ऐसा कुछ कि बहुत ज्यादा, बच्चे सीख लेंगे बस वही बहुत है मेरे लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, पीछे अभी आप लोग देख सकते हो डेप्थ कैसे आ रही है, देखो पीछे जो जो पीछे का बैकग्राउंड था वो अपने आप डेप्थ में चला गया, बाकी थोड़ा मैंने डार्क कर दिया, उसमें उसमें लाइट में है, मैं दिखा देता हूँ उसमें वो लाइट में इफेक्ट है, लेकिन मैंने थोड़ा अपना एक फील दिया कि थोड़ा इसको डार्क करते हैं तो और अपने आप में वो डेप्थ में निकल के आ जाएगी वो चीज, इसलिए मैंने इस तरीके से करके दिया। और एकदम फ्री होकर काम करो, कुछ नहीं, अब ये पैच इसके ऊपर आगे कोई बात नहीं, डार्क होगा अपने आप डल जाएगा, कुछ लोग उसी को टाइम वेस्ट कर लेंगे निकालने में, कहीं ऐसा ना हो खराब हो जाए, सब अच्छा होता है अगर आप अच्छी सोच रखो और काम को अच्छे तरीके से देखो अपने, सब अच्छा ही है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। इस टाइम मैंने रूम का फैन बंद कर रखा है, काम कर रहा हूँ,
मेरी इसी आदत चक्कर है में मैंने वाटर भी कर रखा है, मैंने भी छोटा सा चला रखा है इतना सा साइड में ताकि मुंह पे आवाज आती रहे, नहीं नहीं तो आवाज की वजह से बताए। मुंह कम हो जाएगा। हाँ एक आवाज भी, ये भी बोल सकते हो, और थोड़ा सा बड़ी जल्दी पेपर बड़ी जल्दी ड्राई हो जाता है, एक ये थोड़ा सा मैंने। हाँ तो ये चीज है। अभी जैसे मैंने प्रफुल्ल सावंत सर की बात की, वो इसलिए बता रहा हूँ कि उनका थोड़ा कलर स्कीम क्या होता है। जैसे मैंने पानी अप्लाई किया, ठीक है देखो, और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जिससे आप सीखते हो ना उसको लाइफ टाइम तक याद रखो। जो आपका गुरु है ना वो गुरु ही रहेगा हमेशा, ठीक है। और वो एक ऐसी चीज है कि जरूर अगर आपने ये सोच लिया कि हमें सब कुछ आता है तो फिर सब बेकार है। जो है वो जो आपका आइडियल होना जरूरी जरूरी है सारी आप अपने चीजें। गुरु से बेहतर हो सकते हैं लेकिन गुरु जैसे नहीं हो सकते। आप सही बात है, गुरु से इतना ही बिल्कुल बेहतर राइट, सीख लें बट आप ये सोचें कि बिल्कुल आप इनके बिल्कुल बराबर में बैठे तो ये गलत बात है। बराबर में बैठना चलो सही इन द बात है, सेंस वो एक अलग वे है। सही बात है, सही बात है। और आजकल के तो स्टूडेंट में सबसे इसमें बड़ी दिक्कत है ये पता है आजकल के सबसे, कि वो बहुत जल्दी ख्याति चाहते हैं, बहुत जल्दी वो उन्हें वो यही मुकाम चाहिए, उन्हें सब कुछ यही बहुत यही तो बात चाहिए। है, यही तो बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मैं देखता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब सीख के निकलते हैं, फिर ऐसा लगता है कि उनको काम अगर हल्का सा भी आ गया तो मतलब वो अपने आप को बहुत हल्का था अच्छी देखो वाला समझो, काम आ लेकिन जाए उनकी गर्द सम्मान में हल्की सी गर्दन ऐसे नहीं होती, वो बड़े सही आर्टिस्ट हो सही सही जाते हैं फिर। सही बात है। बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, वो तो सब चीजें चलती रहती हैं। बट ऐसे लोगों के चक्कर में बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो सिखाना छोड़ देते हैं, बहुत से आर्टिस्ट ये होता है, ये होते हैं जो सच प्रॉब्लम में ऐसे होते हैं जो उनका दिल टूट जाता है और सिखाना छोड़ देते हैं। है। सही बात है, बिल्कुल सही बात बोली है। तो बाकी लेकिन जो हम लोग तो देख वैसे रहे नहीं है, हैं, हम तो बिल्कुल नकटे हैं, हमारे राजस्थान में नकटा इन द सेंस बिल्कुल ढीठ, हम तो सिखाएंगे अच्छा कितने ही निकलते अच्छा जाएं हम सिखाएंगे। सही सही है, सही है। अभी जो मैं कलर स्कीम यूज कर रहा हूँ, थोड़ा ग्रेडियंट यूज कर रहा हूँ लाइट टू डार्क, इसमें मैंने हल्का सा ऑरेंज एंड गैम्बोज यू मिक्स किया है, जिससे कि आप एक धूप का फील ला सको अपने काम में। और कभी भी कोई दो कलर स्कीम में काम करो, ऐसा नहीं कि पूरा ऑरेंज लिया ऑरेंज ही फील कर दिया। ऑरेंज में हल्का सा चाहो तो आप थोड़ा ऑरेंज हल्का सा ब्लू थोड़ा डार्क कलर के लिए थोड़ा मिक्सिंग में हल्का सा यूज कर सकते हो, या ऑरेंज एंड रेड भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आप बनाना क्या चाहते हो। तो अभी जो मैं यूज करने वाला हूँ हल्का सा ऑरेंज एंड विथ ब्लू थोड़ा डार्क पैचेस दूंगा नीचे, उससे थोड़ी डेप्थ आए, ग्रेडिएशन देखे अच्छे से। तो इसलिए मैं कलर्स के नेम बोल रहा हूँ, अगर आप लोग नोटबुक भी लेके बैठा करो, जिससे कुछ अगर आपको लगता है कुछ इम्पोर्टेंट कुछ कलर स्कीम बताई जाए तो उसको आप लिख नोट कर लो। लें। कमेंट सेशन हाँ में बहुत तो से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो उनका आंसर शशांक जी पहले ही दे चुके हैं तो मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, इस वीडियो को दोबारा देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी, हाँ मैंने मैंने बोला कि मैं चित्रपट पेपर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, फिर क्या किस होता है, फिर परिस्थिति में जो ज्वाइन आधे घंटे किया। बाद ज्वाइन होता है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसके ये बारे है। में क्या क्या बोला जाए। हाँ और आजकल इंस्टा की पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है कि इस पे अगर 1 डेढ़ घंटे से ज्यादा रील बन गई, ये जैसे IGTV ये जो क्या बोलते हैं इसको पूरा वीडियो बन गया, कभी कभी ये हाँ अपलोड ही नहीं करता है, अच्छा ओके, कभी ऐसा कभी कुछ हो है जाता है ये। मतलब। मेरे साथ 2 4 बार अच्छे लाइव के अंदर हो गया ओहो ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। है। हाँ जबकि मोबाइल में अच्छा खासा स्पेस है, मैंने ये मोबाइल सिर्फ लाइव के लिए रखा हुआ है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ओहो दूसरा मोबाइल ओके नहीं है, ओके इसको तो इसीलिए रखा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ, ये हो जाता है प्रॉब्लम। ये तो बहुत ही मतलब बहुत बड़ी चीज हो रही है, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज ऐसी होती है जो लगता है कि नहीं सेव होनी चाहिए बट कुछ वजह से नहीं हो पाती है। नहीं हो कोई नहीं। अच्छा अभी जैसे कि थोड़ा सा, जैसे मैंने हल्का सा ऑरेंजेस एंड ब्लूई शेड दिया है, इसमें हल्का सा ऑरेंज, अभी जैसे मैं यहाँ पे जो दूंगा थोड़ा सा रेड एंड ब्लू मिक्स करूंगा, थोड़ा सा एक पर्पल तो नहीं बोलेंगे उसको प्रॉपर, एक डल पर्पल शेड बोल सकते हो, थोड़ा सा एक अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड स्कारलेट रेड मिक्स करके, नॉट क्रिम्सन, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक रौनक बच्चा है वो बोल रहा है कि सर गुरुजी मतलब गुरुजी कुछ बचपन की बातें करो ना आप लोगों की, बचपन में क्या था क्या नहीं था उसे मतलब स्टोरी सुनिए। तो बचपन में कुछ भाई बताए ये कोई थी। स्टोरी थी तो। हाँ बिल्कुल बताते हैं, बस एक मिनट ये पैच अप्लाई कर दूं, थोड़ा एक साइड में डार्क रखूंगा। स्टोरी मैं क्या बताऊं, मैं आपको मैं अपना ही बता देता हूं कि मैंने के भाई आपसे शेयर तो किया ही था कि बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल जो लाइफ थी वो क्रिकेट में गई और बैंक की तैयारी में गई, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि चीजें पता नहीं होता करना क्या है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जगह पे आपको लाके रख देती हैं कि आप यही आपका फ्यूचर है। लेकिन वही होता है, जब देखो मेरा कहने मतलब ये है कि लाइफ में कितना भी आप पैसा कमा लो, लेकिन जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती अपने काम से ना, तो फिर सब मजा बेकार है, मेरा ही मानना है, ठीक है। एग्जैक्ट तो वो चीज है। तो और
अभी मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बस मेरा कहने मतलब ये है कि ऐसा भी बचपन से कोई ऐसा रुझान नहीं था कि मेरे को आर्ट फील्ड में आना है, तो लेकिन चीजें थोड़ा सी चेंज हुई जब होता है थोड़ा सा फेल हुए सारी चीजों में, लगता है यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ये कोई आर्ट फील्ड ऐसी नहीं कि बस कुछ ना कुछ करना हो सब आर्ट फील्ड में आ गया, ऐसा नहीं है। ये भी बहुत ही मेहनत वाली फील्ड है, टाइम लगता है, इतना ज्यादा इजी नहीं होता है। अगर आज मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मतलब मैंने कितनी मतलब मेहनत करी है, बहुत सारे मतलब दिन रात एक कर दिए काम कर, तब जाके यहाँ तक पहुंचा हूँ। और अभी शायद आप सबको काम दिख रहा है वैसे, थोड़ा डेप्थ अभी थोड़ा सा शेडो पड़ेगी एंड एक अच्छा फील। ये एक पहले एक बच्चे बेस डाल क्वेश्चन है दिया। कि ललितेश कोहली का क्वेश्चन है कि सर कलर स्कीम को समझने में आपको कितना टाइम लगा। कलर स्कीम ऐसी चीज होती है ना, आप लाइफ टाइम समझते रहते हो, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि आप एक कलर, एक फिक्स कलर स्कीम में फिक्स नहीं हो सकते आप। वही मैंने क्या बोला, हर चीज सीखना है। क्योंकि अभी चलो मैं आपको कैमलिन की बात कर रहा हूँ, कैमलिन में चलो ये शेड नहीं मिल जाता है, आप यदि अदर ब्रांड में जाओगे ना, कोबाल्ट टर्कवाइज ब्लू, और मैंने कल सेल पिंक, मतलब हम लोग यही सोचते हैं क्रिम्सन रेडी पिंक होता है, हर ब्रांड में अलग अलग शेड्स होते हैं, और पेस्टल शेड्स भी आने लगे हैं वाटर कलर में, बिल्कुल तो वो हाँ चीज है। हाँ, तो हर चीज का अपना अपना एक बेस्ट है। तो कलर स्कीम पहले आप बेसिक जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं उससे स्टार्ट करो, तो ज्यादा इजी होता है आपके लिए समझना। क्योंकि वो एक ऐसी चीज है ना, वो एक सोर्स है सारी कलर स्कीम का, मैं तो ये बोलूंगा। तो पहला बेसिक कलर, आप ज्यादा कलर स्कीम में मत भागो स्टार्टिंग में कि अरे अच्छा उस कलर उसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंट शेड दिख रहा है। पहले बेसिक नॉर्मल जो आप ऑरेंज होते हैं, क्रिम्सन होता है, स्कारलेट, अल्ट्रा मरीन ब्लू, सैप ग्रीन, विरिडियन, एंड आपका गैम्बोस, जितनी ये बेसिक कलर स्कीम है, जिससे पहले स्टार्ट करो। फिर धीरे करके आप हल्का टर्कवाइज में जाओ, देन पाइन्स ग्रे हो गया, एंड डिफरेंट टाइप के शेड्स हैं, इंडिगो एंड ऑल सेकेंड ऑप्शन है, इसको रख सकते हो। तो टाइम लगता समझने में, लेकिन करते रहो काम। बिल्कुल आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। हर ब्रांड सा का ये ना वेट स्वभाव अलग है, हर ब्रांड के कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं उनका स्वभाव अलग है। बिल्कुल केमलिन बिल्कुल का सही अलग है, बात है, सही गोल्ड का बात अलग है, सबका अलग है। सही बात है। तो मैंने साल का बेस दिन थोड़ा सा मैंने कलर ऐसे अप्लाई कर दिया है पहले से, थोड़ा सा तो फ्री होके बस अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे कुछ, बस जो मूड में आ रहा है बस एक अपना एक क्रिएटिविटी लाने का ट्राई कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं क्या एक पीस निकल गया है, क्या हम आर्ट वर्क क्रिएट करेंगे। बट एक्चुअली एक बेस कैसे देते वो मैं बताया, मैंने डिटेलिंग तो बची हुई है अभी बहुत, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है तो थोड़ा सा। और जब ऑलरेडी पेपर में वाटर ज्यादा हो ना, तो आपको ध्यान ये रखना है कि ज्यादा वाटर ऊपर सप्लाई मत करो, उससे क्या होगा पैच आने के चांसेस ज्यादा होते हैं पेंटिंग में, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो अभी जैसे कि मैं कलर बना रहा हूं, मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने अल्ट्रा मरीन ब्लू लिया हुआ है, ठीक है, और इसमें मैं हल्का सा स्कारलेट मिक्स करूंगा, लेकिन बहुत ही कम वाटर। स्कारलेट मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये रेड है, देखो पानी बहुत ही कम है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी पेपर वेट है ना, तो उस सेक्टर में ज्यादा वाटर हो, ज्यादा स्प्रेड होने के चांस। तो हल्का सा मैं और ब्लू ले रहा हूँ, इतना इनफ है, देखो आपको दिख रहा होगा ये, बिल्कुल ठीक है। इसको भी यहां अप्लाई करते हैं, थोड़ा बोर्ड घुमाना पड़ता है मेरे को थोड़ा सा, एक्चुअली मैं सेटअप आदत थोड़ा होती बिगड़ा है, हुआ है घर हेलमेट की जो भी आदत होती है। निकल का तो ये चीज थोड़ा सा, इसको मैं डार्क करूं अपने आप, देखो पीछे के डेप्थ और अच्छे से निकल के आएगी। के आ रही है नो डाउट। हाँ, और टिश्यू पेपर की हेल्प से जैसे यहाँ पे आप कलर निकालें, तो हल्का सा आप हटा सकते हो, थोड़ा लाइट निकल के आ जाएगी, थोड़ा आपको एक लाइट में, और थोड़ा सा इसमें मैंने कलर यहाँ अप्लाई किया, तो आपको एक हार्डनेस भी क्रिएट कर सकते हो इस चीज में, देखो ऐसे। इस वे में हल्का सा देखो, तो आपको एक लाइन मिल गई ना, आप टिश्यू पेपर की हेल्प से आप थोड़ा इस तरीके से आप चीजों को निकाल सकते हो, ज्यादा अच्छा रहता है। और बाकी देखो हर आर्टिस्ट से काम अलग अलग होता है, हर कोई अपने तरीके एक्सप्लेन करता है, बट मैं तो ये बोलता हूँ कि आप सबसे सीखो, बट जो आपको लगता है बिल्कुल जैसे आप काम कर सकते हो वैसे करो, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि जो हम जितना अपने से बेस्ट कर सकते हैं ना, वो हमारा ही, देखो हमने सीखा सबसे, सबका कुछ ना कुछ पार्ट मैंने पिक किया, लेकिन कि चीजों को अपने अपनी क्रिएटिविटी लाने का ट्राई करो, जरूरी नहीं कि आप उसका काम दे तो आपको वैसे सेम सेम कॉपी करना है। स्टूडेंट लाइफ में कॉपी करना इज गुड, लेकिन जैसे थोड़ा सा आप प्रोफेशनल वे में जाओगे, थोड़ा सा उस चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना स्टाइल डेवलप करना ही पड़ेगा अगर आपको मार्केट में अपना नाम जरूर बनाना है तो। और एक सबको मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि अभी जो समय गया है कोविड का, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट का मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है,
बहुत सारे लोग तो मतलब अपने पैरों पे खड़े होगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो पहले से बिल्ड थे, अच्छे थे, वो गिर गए। प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि वो एक्टिव नहीं रहते थे। तो सबको मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सोशल साइट्स पे अपने काम को पोस्ट करो। आपको ये लगता है कि अरे काम अभी सही नहीं है तो हम क्यों पोस्ट करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको काम कभी सही लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप जो भी काम डालोगे वो, मैं तो मतलब यही है कि बेस्ट बोलते हैं, जो कि बेस्ट है सब अच्छा ही है, सब प्रैक्टिस वर्क है, ऐसा सोचता हूँ। उससे क्या होगा ना, और उसका आप भी है ना कि दिखोगे नहीं तो बिकोगे, सीधी सी बिल्कुल बात। बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही बात बोली। तो वो और जरूरी है अचानक से एक लोग, कमरे से बाहर निकल के ऐसे अपनी दुनिया बिछा दोगे और लोग आपका स्वागत करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो। सही बात बोली किसी है भी ये। स्थान पे पहुंचने और के जगह खुद धीरे धीरे बनानी पड़ेगी, धीरे धीरे बनानी वही वही पड़ेगी। बात। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, लोग लगता है बस जल्दी हर चीज मिल जाए ना, अरे हाँ फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं या वो नहीं, टाइम लगता है। तो अगर यहाँ तक पहुंचे हम लोग को भी टाइम लगा, ऐसा इतना इजी नहीं था समझना सारी चीजें, तो मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज में। लेकिन वही थोड़ा सा, जब तक आप थोड़ा सा तराशे नहीं जाओगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा लाइफ का। मजा भी नहीं आएगा। अगर हर चीज एकदम आसानी से मिल जाए, तो अगर वही बात है कि अगर मैं अरबपति बन जाऊं तो फिर मेरे लाइफ को जीने का क्या उद्देश्य रहेगा, अगर हमें हर चीज हासिल ना करना ना, तो फिर लाइफ जीने का मजा ही नहीं फिर तो वो चीज है। बट लोगों को लगता है बस अच्छा आज शशांक सर ने क्लास दिया, के सर ने क्लास दी, वो बहुत अच्छे उसमें लाइक आ रहे हैं, ये सब चीजों में मत भागो। जब हाँ आपका मार्केट नाम हो जाएगा ना, आप बस खुद लोग आएंगे, आपको जरूरत ही नहीं कहीं जाने की, सही बता रहा हूँ। बिल्कुल, वो चीज है, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम यही है, क्या बोला जाए। मैं से जाता है सर स्टोरी तो लगा दो, सर इसके साथ में ये लिख दो मेरा बालक है, सर ये कर दो, कौन यही सी चीजें होती है। दिक्कत कुछ तो हुक्म देते है। हैं, लगाओ वो, तो लगाएंगे भाई साहब, लगाएंगे। और आप बिलीव करो, एक का मैसेज आया, मैंने आपको मैसेज किया, आपने देखा, थोड़ा रूड होके मेरे से बोला, मैंने बोला बहुत कि रूड मैं आप ही के मैसेज को तो वेट करता, आप ऐसे बोलो, मतलब मैं रिप्लाई करूं, मेरा बिल्कुल ऐसे सुन के मूड खराब है। हमने क्या बोले बच्चे हैं, फिर लगता है कि हम फिर उनके तरीके गुस्सा करने लगे, हम में उनमें क्या फर्क रह जाएगा, तो मैं कोई नहीं छोड़ो, क्या बोल सकते हैं, मतलब मतलब कई ऐसे बार मुझे स्टूडेंट्स सबसे लगते बड़ी हैं। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कोई मेंशन कर देता है एट द रेट लगा के, तो वो सीधा आपको वहां मिल जाता है। कहाँ पे इस, तो वो एक अलग से आ जाता है कि किस किसने आपको मेंशन किया है, आप उसको स्टोरी पे लगा सकते हो। बिल्कुल बहुत से लोग होते हैं बिल्कुल मेंशन करके उसको छिपा देंगे, ठीक है, हाँ तो वो हाँ शो नहीं करता, वो मेंशन वाले ऑप्शन में शो नहीं करता। हाँ ये सही, हाँ यही ये मैंने देखा है, यही चीज ये आपने बात बोली ना, ये मैंने भी फील वाले तरीके से होता है मेरे पास भी, लेकिन दिखता नहीं है कि एक्चुअली हो क्या रहा है उसमें, हाँ वो नहीं तो चीज है। कहीं सीधा मेंशन वाले पे जाओ, वहां पे एक साथ लिखा हुआ आता है कि 26 लोगों ने आपको मेंशन किया, 26 को एक साथ लगा होता है, दे, 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 दे। एक एक सेकंड लगता है बस, एक सेकंड, फिर दूसरे को एक सेकंड, इतना ही लगता है। सही बात है, बिल्कुल सही लेकिन बात नहीं, मैसेज वैसेज करेंगे और फोटो भेज देंगे और बोलेंगे इसको लगाओ। है। मतलब ये ऑर्डर दे रहे हैं भाई, करना ही पड़ेगा वो तो, और क्या है, इतना तो कर उसका ही सकते नाम ढूंढो, एट द रेट लिख के उसका पूरा नाम, स्पेलिंग लिखो, स्पेलिंग में गलती हो गई तो भाई साहब आ नहीं रहे। मतलब अच्छा खासा दो तीन मिनट हैं। ले जाता है कभी कभी धर्म के नाम पे, और मैं करता हूँ सच में, मैं वही करता हूँ। ये होता है, ये होता है, आपकी बात बिल्कुल एग्री इसलिए कि करता ये हूँ। मुझे रूड ना समझ ले, ये मुझे प्राउड ही ना समझ ले, उस इमेज को बचाए रखने के लिए मुझे ये करना पड़ता है, बताओ। हाँ सही बात है, बस वही बात है ना, कि उनको क्या बताया जाए, थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी भाई जितने बच्चे देख रहे हैं भाई, समझो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग भी, क्योंकि आज अगर हम लोग ऐसे टीच कर रहे हैं उस चीज को, तो आप भी कभी बनोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करने को पड़ सकती है सारी चीजें। अरे बहुत चीजें होती है, मैं क्या बताऊं, मैं तो मतलब पागल ही हो जाता हूँ, जब खोलो मैसेज क्या क्या है समझ में नहीं आता है, तूफान आता है, तो दिमाग तूफान दा 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 दा। तूफान मुझे आता है। सही बात है, समझ में सही नहीं बात आता, है। इतने से फॉलोवर हैं, ठीक है, अभी ये कोई ज्यादा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब अरे जिनके नहीं, 70-70, 90-90 के, मतलब ये क्या करते होंगे, क्या उनकी जिंदगी मैसेज मैसेज रिप्लाई करते हुए निकल जाती होगी। या तो वो सुन पड़ जाते हैं, वो सुन पड़ जाते हैं, वो अचानक चुपचाप आते हैं, फोटो अपलोड करते हैं, चले जाते हैं, या तो मुझे ऐसा लगता सही है वो सही देखते बात, नहीं होंगे मैसेज। सही बात, सही, हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, यही तो बात है, क्या बताया जाए। थोड़ा सा अभी थोड़ा पैचेस थोड़ा अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा लीफ का ट्राई कर रहा हूँ, अभी मैंने हल्का सा बेस दिया है, अभी यहाँ पे थोड़ा ट्री आएगा, तो अभी बिल्कुल इसके आगे ओवरलैपिंग होगी अच्छे से, तो उसके लिए थोड़ा अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड थोड़ा सैप ग्रीन लेता हूँ, लेता क्यों ले रहा हूँ, अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड सॉरी अल्ट्रा मरीन ब्लू विरिडियन ग्रीन, थोड़ा सा कलर स्कीम चेंज कर रहा हूँ मैं। आप थोड़ा सा
अल्ट्रा मरीन ब्लू में और विरिडियन ग्रीन मिक्स करना, काफी अच्छा ब्यूटीफुल शेड निकल के आता है लीफ का। आप देख रहे हैं अभी भी 232 या 230 इतने बने हुए हैं। ये वो बच्चे हैं या ये वो आर्टिस्ट हैं जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं? आते बहुत हैं, तीन सही बात तो आ है, ये जाएंगे, फिर सही चले बात है। जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले, बट ये स्टिल रुके हुए हैं। मतलब मैंने देखा है 220, 200, इतने स्टिल रुके हुए। हाँ सही बात है, ये तो और जब है। मैंने मैं स्टार्ट भी करा वही था, आप चीज। मानते नहीं होंगे, मेरे शायद 1500 फॉलोवर थे, मैंने तब से स्टार्ट किया था। मैं ओके, जब चार लोग देखते थे, मैं तब भी पूरा 1 घंटे का सेशन देता। नहीं जरूरी है, वही तो बात है। आज वही तो काम आता है कि एटलीस्ट इतने टाइम से देखो इंसान फॉलो उसी करता है जिससे लगता है एटलीस्ट कुछ सीखने को मिला। अभी वही बात है, आज मैं ना करूं कुछ ना सिखाऊं तो फिर फायदा क्या फॉलो करना है। तो काम भी करते रहना है या कुछ सिखाते भी जाना है लोगों को, तो वो बिल्कुल, जरूरी है। थोड़ा डेप्थ ला रहा हूँ, ये बेसिक से डायमो है थोड़ा सा, कैसे लेयरिंग किस तरीके से काम करना है, और हल्का सा अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड ब्रंट अम्बर यूज कर रहा हूँ थोड़ा सा एक ड्राई स्ट्रोक्स देने के लिए। ड्राई स्ट्रोक्स अपना ही मजा है वाटर कलर में, थोड़ा ट्री की ट्रंक्स एंड हल्का सा थोड़ा इफेक्ट देने के लिए हल्का सा। इसके थोड़ा पतला ब्रश भी यूज करते हो, कोई भी जो आपके साथ वो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल खूबसूरत बन रहा है, निकल के आ गया। अरे थैंक यू, बस आप लोग अच्छा लग रहा है, बस मेरे लिए यही बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोचता हूँ कभी डेमो देता हूँ, लगता है भाई क्या निकल के आएगा, इतने सारे लोग देख रहे हैं, कुछ अच्छा लाइव का निकलना चाहिए। एक्सपीरियंस जितने बच्चे देख रहे हैं, बता दूं कि इससे 30% या 40% और फ्रेश मान लो इसको, जितना ये मोबाइल में हाँ दिख रहा है बिल्कुल, ना, हाँ ये हकीकत हाँ में ये आप उससे मैं बहुत अलग रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फोटो करके टैग करूंगा तो हम लोग शेयर जरूर देख लेंगे क्या निकल जरूर के आया जरूर इफेक्ट, जरूर तो होगा जरूर क्या, जरूर। तो वो चीज है। वहां डेमोस्ट्रेशन में IWS के अंदर जो संजय देसाई जी ने दिया था, वो स्क्रीन पे कुछ और लग रहा है। चलो ठीक है, स्क्रीन पे बहुत अच्छा लग रहा है पार्ट, लेकिन जब उसको अच्छा रियल अच्छा में देखा ना तो मैंने पास से, गजब, मजा बड़ा आ मजा गया, आ गया। उसकी कलर की जो फ्रेशनेस थी जबरदस्त, काम बहुत जबरदस्त है उनका, उन्होंने जो शेड्स मतलब दिए थे, ऑटो वगैरह, बड़ा गजब हाँ वही, मतलब वो एक कम पैचेस में निकाल रख देते हैं काम, बेस्ट निकाल पार्ट करके। यही है। और शीट उन्होंने डिटेलिंग डिटेलिंग आर्चीज की यूज से में करी थी, नो डाउट। देखो शीट ना अच्छा, कुछ जगह सपोर्ट कर जाती है, आर्चीज की ये शीट सही को अगर बात टच है। करो ना तो पता हाँ चलता है साला टेक्सचर का, टेक्सचर कितना जबरदस्त। हाँ ये तो है, ये बात सही बोली। नहीं सीट का और फर्क होता है, मैं नहीं चित्रपट, बोलती सीट। हाँ हाँ, चित्रपट गरीबों की आर्चीज है, हमारी हाँ ये गरीबों बोल की सकते हो, आर्चीज है बिल्कुल बिल्कुल चित्रपट। सही बात है भाई। मैं तो यही लगता है कि अब यही है जो इससे काम, अब कहाँ हम लोग 600 500 रुपए कर करेंगे, सही बहुत बात अच्छा है। पेपर बना है सीरियसली, वाटर कलर के लिए चित्रपट हाँ से अच्छा पेपर नहीं है। और पिछले शायद 5 से 6 सालों में इसकी रेट बढ़ी भी नहीं है, उतनी ही है, ज्यादा नहीं है। वही वही रेट है, सही बात है बिल्कुल। और आप लोग बॉम्बे बिलीव का करो पेपर मेरा है, लंच टाइम है, बॉम्बे सर का आज पेपर ही आज है से ना, काम, बॉम्बे का क्या चीज। पेपर है ये, अपना जो चित्रपट है बॉम्बे का पेपर है ना। हाँ कि मतलब मुंबई पुणे आप ये समझ सकते हो उधर एग्जैक्ट, साइड का जी। इस टाइम इस मेरे घर काम के सारे लोग डिनर कर के रहे हैं बाद और में और मैं ज्यादा मजा आ डेमो गया, दे रहा हूँ, और निकल गया क्या इस चीज क्या चीज। डार्कनेस के बाद में और निकल के आ गया। हाँ थोड़ा सा ये बिल्कुल वही चीज है। और हल्का सा थोड़ा सा बस लाइन डिटेलिंग मत करो, हल्का सा लाइन बस फील आ जाए कि हाँ वो चीज है, बस इतना इनफ होता है। ज्यादा कुछ आप दिमाग में लगाओ, सब अच्छा ही है। एक इम्प्रेशन भी काम में होना एक अपने आप में अच्छी बात होती है, कि इम्प्रेशन आ रहा है बस ठीक है बहुत है। थोड़ा बीच में हल्का डार्कनेस ये ऐड कौन कर सा रहा ब्रश है जिससे आप डिटेलिंग कर रहे हैं? एक बच्चे का क्वेश्चन है। हूँ। अच्छा ये एक चाइनीज बैम्बू ब्रश है, ये भी एक सैंपल पीस मेरे को चाइना से आया था एक्चुअली। अब बोलो सब आप चाइना प्रमोट कर रहे हो, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलने लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं प्रफुल्ल एक्चुअली। सावंत सर जो है, प्रफुल्ल सावंत सर, इसका पूरा का पूरा एक सेट बेचे मुझसे, उनके नाम से आता है। हाँ ये अच्छा है काफी, मतलब निशिकांत सर भी अब इसे इससे काम करते हैं, अच्छा लगता है देख के, मतलब मोस्टली ये बहुत से आर्टिस्ट डिटेल के लिए करते हैं इसको। हाँ हम बट अच्छा जो लीफ एंड जो पॉइंटेड फील आती है ना वो उसका मजा ही अलग होता है काम करने का। तो दैट्स व्हाई इसी मतलब मैं अभी इससे अप्लाई कर के रहा लिए हूँ। आप प्रफुल्ल सावंत सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और प्रवीण कामरकर सर के पास भी हैं ये, हाँ वो भी येलो कर सकते ब्रशेस हैं हैं। हाँ ये वाले हैं, तो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिकंदर सर भी कर रहे हैं, सिकंदर सर से भी कर सकते हैं। बिल्कुल।
सा हल्का सा बाहर की थोड़ा लीफ ऐड कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा एक लुक आ जाए। अभी इसे क्या, कभी कभी क्या होता है कि कुछ काम करते करते पैलेट में कलर ऐसे बन जाते हैं, लगता है लाइफ में पहली और आखिरी बार बने, ऐसा फीलिंग आता है। लगता है बस यूज कर रहा हूँ सबको मिक्स करके, ये दोबारा कहीं बनेगा ही नहीं। अभी जो मैं कलर बना रहा हूँ ना, वैसे तो ब्लू है, ऑरेंज है, अभी तो कलर मुझे याद है मैं कौन कौन से यूज कर रहा हूँ, लेकिन जब अपने लिए काम करता हूँ, जब यहाँ कहीं पे तब कलर नहीं स्कीम बनते। ज्यादा हाँ होती पता, डेमो है। डेमो की सबसे खास बात यही है कि कभी हाँ तो बहुत जबरदस्त भी बन जाता है और कभी तो हाँ खराब भी हो जाए। वो और लोगों को अच्छा लगेगा, पर हमें पता है कि वो हाँ बिगड़ मैं पता है, गया। बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही तो उस बोली है। टाइम तो मतलब ये मान के चलो कि नसीब वाली बात है, डेमोस्ट्रेशन अपने आप में एक नसीब की बात है। कैसा जाएगा ऊपर वाला ही ऊपर जाने। जाने कोई डेमो में क्या बात भी कर रहे हैं, आर्ट टॉक भी चल रही है, काम भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका माइंड वहां भी है, बट लेकिन अच्छी बात वही है ना कि आपका दिमाग दो जगह पर फिर भी आप काम कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल थोड़ा बड़ा ब्रश मैंने लिया, थोड़ा बड़े एरिया में काम करना है, थोड़ा मॉप ब्रश है ये। मैं ये चीज जानूंगा कि डेमोन्स्ट्रेशन से किसी की स्किल्स को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन के जो वर्क होते हैं वो किए हाँ जाते हैं बिल्कुल कम समय में। अपनी मतलब प्रस्तुति भी देना और अपना काम बताना कि भी मेरा काम का राइट तरीका क्या राइट है। डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स काम का तरीका क्या है, काम क्या है, ये नहीं काम का तरीका क्या है। एक आर्टिस्ट किस तरीके से काम करता है, भाई ठीक है शशांक जी किस तरीके से करते हैं, वो ऐसे करते हैं, हमें उनका बिल्कुल तरीका पता चला इस डेमोन्स्ट्रेशन से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही बोली आपने। देखो अगर 1 आवर टाइम है तो मेरा काम अलग दिखेगा, अगर वही मेरे को 3 घंटे मिले काम करने तो मैं थोड़ा अलग तरीके से करूंगा, थोड़ा आराम आराम से, थोड़ा या थोड़ा सा और चीजों को और ऐड करना चाहूंगा, लेकिन वही है कि दिए गए टाइम में काम कंप्लीट करो, बस यही बहुत है। बिल्कुल तो वो चीज हल्का सा वो, बाकी डिटेलिंग में तो देखो सब कर लेंगे, लेकिन वही है ना कि एकदम इंप्रेशन लाना एक अच्छी बात होती है, वो आपका इतनी जल्दी नहीं होता कि आपने लिया बस ब्रश लगा के ट्री बना दिया, टाइम राइट लगता राइट समझने में कि लुक आना चाहिए, वो फील दिखना चाहिए उस चीज में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले ना जो चल, आपने लिया इसका वैसे। ले लिया, मैं मेरे उससे हो नहीं रहा था स्क्रीनशॉट इसका। ले लेता हूँ, एक दो और ले लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट अच्छा है कि चलो लाइव में आपके यहाँ से लोग ऐड है, मेरे साइड से भी स्टूडेंट ऐड है, और एक दूसरे को फॉलो करेंगे और एक कनेक्ट दूसरे कर का काम पाएंगे ना, क्योंकि सीखेंगे। जरूरी थोड़ी है भाई कि भाई इधर पालक हाँ पनीर बस है, इधर गोया पनीर है, तो बोले बस दोनों बस साथ, बस, भाई दोनों का स्वाद लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आज एक स्टूडेंट का मैसेज आया मेरे पास, वो बोलते हैं मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी आप दोनों की, आप दोनों कब लाइव आओगे, हमने बोला चलो आ गया टाइम फाइनली। नहीं, तो मुझे वो चीज सजेस्ट है। भी किया था, मुझे किसी ने सजेस्ट भी किया था, बस एक दो बच्चों ने सजेस्ट भी किया था, मैं मैसेज करने वाला था, इतने में हमारी मुलाकात हो गई। सही है ना, बढ़िया है, चलो अच्छी बात है, यही सामने से हुई बहुत अच्छा लगता है, तो सामने मिलके एक अपने थॉट मतलब वो सब जान जाते हैं सारी चीजें, काम बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। भी है थोड़ा बहुत से ऐसे आर्टिस्ट सा पढ़ते हैं, देखो आपको क्या बताऊं, मैं बच्चों के लिए जी। मैं तो एक हाथ जोड़ के एक मैसेज करता हूँ, बहुत अच्छा सा। नमस्कार सर, मैं हाँ कृष्ण कुमार गुंडारा, एक टीचर, थोड़ी सी एक कोशिश करता हूँ कि आप लाइव आए डेमोन्स्ट्रेशन, अपना थोड़ा सा ज्ञान बांटे। तो बहुत सो के तो रिप्लाई आ जाता है, बहुत से ये कह देते हैं कि अभी थोड़ा समय नहीं है, और कुछ लोग जो होते हैं अच्छे वो आ जाते हैं। नहीं, यही मैंने वही बात है ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते हैं भाई, बुरा लग जाए किसी को, आप पाने के उसको लिए फर्क नहीं विक्रांत सर पड़ता। ने तो मैसेज भी किया था, विक्रांत सर ने तो बहुत अच्छा मैसेज भी लिखा था कि मैं आपके लाइव वीडियोस देखता रहता हूँ, और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था और बोला था कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, मैं जल्दी ही आऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं अपने, वो उनका कला आरंभ वगैरह का भी नहीं बहुत कुछ चल रहा था, तो उस हाँ, बीच में तो मेरा रिप्लाई बोलना भी एडजस्ट बंद किया कर दिया। तो, हाँ वही रिप्लाई एडजस्ट किया तो उन्होंने, मतलब ये नहीं बोला कि हाँ डायरेक्टली मना तो नहीं किया, या वो बोल रहे हो कि भाई नहीं आ सकते, ऐसा तो नहीं बोला ना, इतने अच्छी बात बड़े हैं, ये है। बट कुछ आर्टिस्ट हैं, अब मैं जिसे बात करूं, अब मैं किस मैंने प्रेम आवले को भी मैसेज किया, प्रेम आवले को अच्छा ऑयल ओके, बहुत, उसके काम की बहुत रेस्पेक्ट है, काम बहुत जबरदस्त, मानो यार मैंने 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 फॉलो किया है उनको, काम काम देखो, तो काम मतलब तो नो मुकाल डाउट, है, मतलब एक सही तरफा, बात, सही बात है। बट वो ये मैसेज का रिप्लाई भी दिया, मेरी बात भी हुई, बट अभी मैं वहां भी क्यों, थोड़ा वहां बिजी हूँ, ठीक है। हाँ वही फिर तो लगता है कोई नहीं, चलो मुझे ऐसा फिर नहीं दोबारा लगता कि बोल आदमी लेंगे, कितना ही बिजी क्यों ना हो, यार आधा पौन घंटा निकाल सकता है, इतना क्यों भी नहीं बिजी निकाल सकते। क्या हाँ देखो हो। वही है कि मेरे वही बात है कि सब मेरे घंटे डिनर कर रहे हैं बैठ के, बट मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कोई नहीं आज थोड़ा इंतजार, बाद में करना आप लोग कर लो, मैं पाने तो के यही लिए बोला। हर बार मेरे हर वीडियो के अंदर ये चलता रहता है कि मैं इधर बैठा हूँ, उधर बच्चे, उधर वो गेट है, उधर से बच्चे ऐसे कहते हैं शुरू करें सर, शुरू करें, शुरू अच्छा हाँ ये करें, चीज है, मेरे बिल्कुल चक्कर में बिल्कुल 11 11 समझता बजे तो भूखे बैठे रहते हैं। हूँ, मैं समझता हूँ ये तो।
ये तो है, और जान सबको सबको जान ही गया हूँ जो आपके साथ के हाँ हैं, जो आपने बताया ये सारी चीजें, बट मजा आती है जो लाइफ है ना देखा है। तो आप भी अभी भी मतलब अच्छा कर ले तो, लेकिन अभी भी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ होती है, लाइफ में कभी कभी आती नहीं है। इसीलिए मैं बच्चों को अपने पास रखता हूँ, क्योंकि ये विचारों से कूड़ा नहीं होना है मुझे, ये बूढ़ों के बीच में भेजना। अब सही जैसे सही वहां सही बात है। कला वहां अभी गए थे ना IWS, वहां वहां बिठा दिया, हाँ आगे आगे ले जाके बिठा दिया, शालिनी जी वगैरह मैंने को बुला देखा था दिया, फोटो, मेघा फोटो देखा था मैम ने मैंने बुला लिया, फोटो। आगे आगे बिठा लिया। अब मेरा मन नहीं लग रहा वहां पे, मैं बोला मुझे बच्चों के पास जाना है। अब लगता है क्या है उसी, बच्चे जो है ना वो जितना वही उनके साथ रहे उतना मजा आती है। मैं खुद मैं तो दूर से बदल देख रहा था, मैं जाता है आगे कि गया ही नहीं। नमस्ते नमस्ते। हाँ मेरे से ये, मुझे से ये चीज जिनती नहीं है, मेरा ये खेल है। मैं समझता हूँ, ये हाँ यही यही अंदर। मैं तो आगे बैठा ही नहीं, मुझे लगा मैं बैठ जाऊंगा ना तो फिर बैठ जाऊंगा, फिर अच्छा लगता बीच से ऐसे उड़ जाना किसी का डेमो चल रहा हो ना, वही तो मैं एग्जैक्टली बैठा ही वो फिर उठ नहीं। नहीं सकते आप। अब बच्चों के साथ में क्या है, आंखों से इशारे करे, ऐसे इशारे करे, वो समझ जाएगा गुरुजी को चाय पीनी, चले बैठो, वो सही निकल बात है लेते सही हैं। बात है, ये चीजें ऐसी हो तो, मैं तो बोलता हूँ कभी आप दिल्ली आना तो प्लीज, जब आप जब भी आए तो हम लोग फिर एक मीटिंग करेंगे, सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साइड के हैं तो वो भी आएंगे और बिल्कुल आपके साइड के संडे जो को, होंगे। मैं अभी जो नेक्स्ट संडे है ना उसका प्लान हाँ कर, ये जो नेक्स्ट संडे आने वाला है उसी का प्लान कर रहा नेक्स्ट संडे डेट से कौन सी आ रही है हूँ। देखो मेरी, कुछ कहीं तो पढ़ ही मुंबई रहा में है। नेक्स्ट मतलब इस साल, कल का नहीं, अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट संडे तो मैं होऊंगा, ठीक है तो हाँ नेक्स्ट वाला है ना, नेक्स्ट वाला संडे, बताना फिर मेरे को, बताना जरूर 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 मेरे को, जरूर। ठीक है तो मिला जाएगा। एक ऐसा कर लेंगे आउटडोर भी रख लेंगे, वहां बच्चे भी होंगे, काम भी करेंगे एंड जो भी हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक्चुअली मैंने एक, हाँ अच्छा मैंने एक कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे इंक एंड वाटर कलरिस्ट करके ग्रुप बनाया हुआ है, वो मतलब उसमें अच्छा आउटडोर के बारे में आपको मालूम चलता रहेगा, मतलब वो फ्री ग्रुप है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं, किसी को कुछ पेड वाला भी नहीं है उसमें, सिर्फ और सिर्फ आउटडोर से रिलेटेड ही काम पड़ेंगे, बच्चे करेंगे उनका काम मैं पोस्ट करूंगा। जो अभी मैंने पूरा दिल्ली के आर्टिस्ट का ग्रुप बनाया जिसमें सिर्फ प्रोफेशनली नहीं होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे और जो स्टार्टिंग कर रहा है आर्ट फील्ड में उनका पूरा वो ग्रुप होगा। तो उसमें अभी सिर्फ दो पोस्ट पड़ी हैं, एक पोस्ट जो कल मेरा जो कल आउटडोर होने वाला है उसका है इंक मतलब कि अंडरस्कोर वाटर कलरिस्ट अंडरस्कोर दिल्ली करके ग्रुप का नाम है, ओके ठीक दो है। मैं तीन बार दिल्ली रिपीट इसलिए कर दो मेंशन, इस नाम को, दो तीन बार रिपीट कर लो ताकि देखने वाले हाँ टाइप मैं फिर से लिख मतलब बोल देता हूँ, इंक अंडरस्कोर वाटर कलरिस्ट, ओके वाटर ओके कलरिस्ट में WATER COLOR IST, ठीक है अंडरस्कोर दिल्ली, ये ग्रुप का नेम है। तो इसका प्रॉपर लोगो डिजाइन कराया, जिसमें मैं चाहता हूं कि आप बच्चों की आर्ट भी लोगों तक पहुंचे, सिर्फ उन तक ना रह जाए, इसलिए बिल्कुल मैंने ग्रुप बिल्कुल किया। और अच्छी बात है कि सब लोग मिलके काम करेंगे तो मजा आएगी, मैं तो आउटडोर करता ही रहता हूँ, मुझे लगा नहीं और लोग को जोड़ना चाहिए इससे कि वो लोग हमसे भी सीख पाए, इसलिए मैंने ये चीज थोड़ा सा उनके लिए भी रखी है। तो बिल्कुल दैट्स व्हाई बिल्कुल मैंने, तो अच्छा रहेगा कि आप लोग ज्वाइन करेंगे और जरूर जरूर। बच्चे जितने भी होंगे मैं भी सजेस्ट करूंगा, आप हाँ मुझे भेज देना, जब भी आप जाओ तो मुझे भेज दिया करें, मैं शेयर कर दूंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं तो बोलूंगा आप भी ज्वाइन करो प्लीज, जब भी दिल्ली आओ तो हम लोग चलेंगे सब लोग काम करने। जरूर जरूर तो जरूर जरूर देखो जब आउटडोर करते हैं तो हमारे अंदर जो आर्ट की फीलिंग होती कभी मरती नहीं है, अगर एक बार सोच लिया कि अब कौन जाए धूप में, धूप आप बोलो ठंडियों में, ठंडी में नहीं जा सकते हैं, बरसात चलो ठीक है बरसात में कोई नहीं जा सकता, आप भी हो मैं भी ठीक है, जाने के लिए लेकिन तो मौसम नहीं है, मन मन बनाओ और निकल लो। हाँ बस बस बस, अगर आप गर्मी से परेशान हो गए तो आप आर्टिस्ट किस बात के, जो तब के निकलता है ना गर्मियों में वही एक आर्टिस्ट होता है मैं मेरा अपनी जो स्टेट मानना है। रूम में जब स्टूडेंट लाइफ में था, कॉलेज 2 बजे ओवर होता था, कॉलेज से निकल के रात के 8 बजे तक मैं आउटडोर करता था बाहर बैठ के, पेंसिल लाइफ वाह के क्या बात है, सिटी के अंदर बहुत अच्छी अकेले। बात है बहुत अच्छी बात है, यही यही लोग ये इनको लगता है कौन घर से निकले कौन ये बाहर जाके कौन, ये क्या है लोगों की हाँ दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम तो क्या बताया जाए उनको। तो भी आप लोग आर्टवर्क दे सकते हो, मतलब थोड़ा एक एक इम्प्रेशन वाला, मैंने काम की डिटेलिंग ज्यादा नहीं रखी मैंने, बस थोड़ा सा कम टाइम में एक अच्छा फील कैसे ला सके और थोड़ा सा और हल्का हल्का। मतलब सबसे पावरफुल क्या है, जो आगे आगे वाला ट्री है ना, मुझे पर्सनली आगे आगे वाला ट्री में बहुत मजा आया। हाँ ये वाला बहुत अच्छा है। थैंक यू अरे थैंक यू। मैं चाहता हूँ कुछ फिगर ऐड करूँ क्योंकि, और जैसे फिगर को मैं सेंटर में ऐड नहीं करूंगा, मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जैसे कभी क्या होता है ट्री बैक घर के पीछे हल्के से ह्यूमन फिगर दिख रहे हैं स्मॉल से, तो और उसके लिए मैं शेड यूज करूंगा मेरा फेवरेट कलर जो कि टर्कवाइज में विंसर न्यूटन में आता है, टर्कवाइज कोबाल्ट ब्लू,
और बहुत ही महंगा, मतलब मैं ये बोलूंगा नहीं आप खरीदो अभी, मतलब ये मेरे को आउट ऑफ स्टॉक था ये, मतलब कि 680 रुपीज का सिर्फ छोटी सी 5 ml की ट्यूब है ये। लो। इतने में तो हम दो तीन चार पांच स्टूडेंट खाना पीना, मतलब काले पेट भर पूरा के देखा जाए केमलिन, तो केमलिन का नया वाला पैकेट आ जाता है पूरा। सही सही बात है बिल्कुल। लाइक एक जो आर्टिस्ट है जो क्या बोलता हूँ नाम नहीं ध्यान रहा, जो इक्विडोस करके एक आर्टिस्ट नहीं है जो फिगरेटिव काम करता है, जो उसका उसका ये मतलब इधर उधर कि छींटे मारता है काम करने के बाद, उस पे छींटे वगैरह हाँ स्प्रिट करता हाँ है उसका उसी का फेवरेट कसम। कलर है ये, हाँ वही मतलब ट्रेनर लगाता मजा। है, वो टोपी वाले बैग वाले आदमी बनाता है वो कसम, उसका काम हाँ, देखो। अमेजिंग, मतलब कुछ वो कुछ भी बना देता, कुछ भी मतलब बस अब उसके वो एक स्टार्ट स्ट्रोक पे करता है, लग तब गया। आप स्टार्ट करता है ना, तब देखा करो वो उसको कलर छोड़ता है फ्री, बस हर जगह ऐसे सही कलर बात है, लगा देता है। मतलब ये कलर मैं यूज करता हूँ बहुत लगता है कि भाई मैंने 1 रुपया उठा लिया, इससे ऐसा फीलिंग आता है एक बार में। नहीं, एक बार पे हाँ 10 रुपया, एक बार पे 10 रुपये गया हल्का सा, बस दस वही वही चीज रुपये है। तो ऐसा नहीं कि मैंने इसमें कोई बहुत पेंटिंग सिखाई, मैं बहुत ही रेयर में यूज करता हूँ ये सेट, होता है 1 साल में मेरा खत्म हुआ ऐसा ये बता रहा हूँ। महंगे तो अभी देखो वाले। ना हल्का सा पैच अप्लाई कर रहा हूँ थोड़ा सा बैक साइड में, पीछे पूरा लेग नहीं दिखा, कोई लेग दिखा दूंगा तो फिर वो ट्री के बीच में आ जाएगा ना, तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में वो चीज रहे, और हल्का सा कोई भी मैं डार्क कलर ले करके हल्का सा एक उसका हेड बना दूंगा बस पैच में। और थोड़ा सा इस कलर को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी घर में भी हल्का सा विंडो में ऐसा दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा वो एक बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा वो चीज। बैलेंस, कनेक्शन भी हो जाएगा, थोड़ा सा कनेक्शन भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा वो चीज है। तो और से तो आज जितने मैंने अभी तक लाइव किए हैं इंस्टा पे ना, सबसे अच्छा मेरे को आज लग रहा है कि आज बहुत सारे लोग ज्वाइन है, अरे मोस्टली ऐसे होते हैं 100 120 होते हैं ठीक है, लेकिन आज अच्छी बात है ऐसा लग रहा है कि मतलब मजा आ रही है, मतलब इसको एक्सप्रेस नहीं कर मजा सकते। है आज, लग रहा है कि मैं सच में किसी के लिए काम कर रहा हूँ, सच में देखने वाले बिल्कुल हैं, रुके हुए स्टिल। बिल्कुल 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 वो चीज है। तो थोड़ा सा हल्का नहीं, सा सीखने की चाह इतनी तगड़ी है ना कि आप मानोगे नहीं, मैं 11, मैं जब मन होता है तब आता हूँ। मैं 11 बजे भी आया हूँ ना, तो अचानक से ऐसे लिखा हुआ था 6 26 56 100, अच्छा, सही ऐसे है तरह सही है, बढ़िया। तो हल्का सा मैंने घर प्यार, में इतना इसको प्यार इतना कि दुनिया भर का। सही जरूरी है, हर चीज जरूरी है। देखो हम लोग तभी हैं जब हमारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं से हम लोग हैं, मेरे देखो मेरा तो मानना ही है, फिर सीरियसली लाइफ फिर मजा ही नहीं रेस्पेक्ट ही आएगा। उन्हीं से, उन्हीं से, नहीं तो हम है ही नहीं हकीकत में, नहीं। बिल्कुल 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 सही बात है। और थोड़ा सा जो मेरा बेस्ट पार्ट है, थोड़ा मैं बर्ड्स को जरूर ऐड करता हूँ पेंटिंग में, क्योंकि उनसे ही ये लाइफ है, मेरा मानना ही है ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा अल्ट्रा मरीन ब्लू, थोड़ा ब्रंट अम्बर मिक्स करके थोड़ा बर्ड का, मतलब ऐसे तो ऐसा था मैं ब्लैक यूज नहीं करता हूँ पेंटिंग में खासकर, मतलब अधिकतर आर्टिस्ट यूज भी करते हैं, बट मेरा मानना है कि जितना हम जो एक्चुअल जो नेचुरल जो मतलब की है ब्लैक यूज कर डार्क शेड क्यों बनाया जाएगा, अगर आपको ज्यादा डार्कनेस हार्डनेस बनाना ना है, भी है। ज्यादा हार्डनेस ना है ना ब्लैक बिल्कुल से। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे आप ब्लू या ऑरेंज यूज कर सकते हो अगर डार्क करना है आपको, या ब्लू या स्कारलेट भी यूज कर सकते हो, एडे डार्क फॉर्म में यूज कर सकते हो, या उसके अलावा एक पैनिस ग्रे शेड आता है उसको आप यूज कर सकते हो अलग से, मतलब अगर आपको लगता है तो, बाकी इतना ही इनफ है। देखो मैंने कहीं ब्लैक यूज नहीं किया बट फिर भी डार्कनेस तो दिख ही रही ना, तो डार्कनेस बस। दिखती है। हाँ बर्ड्स बनाने के लिए हल्का जैसे कि यहाँ पे कुछ बर्ड्स खेलती हुई ऐसे ना, कुछ बैठी होती हैं, कुछ हवा में उड़ती हुई इस तरीके से कुछ, थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब ये तो मतलब मेरा पेट है, मतलब बनाना ही बनाना है, मतलब इसके बिना तो मेरे को पेंटिंग अधूरी लगती। फिगर भले एक बार ना बनाओ लेकिन जब बर्ड्स खेलती हुई मकान के ऊपर से दिखता है हल्का हल्का, थोड़ा उसका अलग ही लुक। अब बर्ड्स में जैसे कुछ अगर आप इसके जो पंख होते हैं एकदम फैला दिए तो वो ऐसा लगता है कि उड़ते हुए बैठने वाली है ठीक है, अगर आपने एक हल्का सा एक पैच भी लगा दी वो भी एक बर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको वहां शो नहीं करना है उसकी आंख नाक मुंह कुछ नहीं बनाना है, आप इजिली उस चीज को एक क्रिएट कर सकते हो सिंपल सा, जो मैंने काम करके दिखाया बहुत ही मतलब एक बेसिक एक इंप्रेशन कैसे आपको स्टार्ट करना है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो वर्क। और थोड़ा सा एक चीज मैं हल्का सा और लास्ट में ऐड कर देता हूँ, कुछ लोगों ने तो मतलब रात का डिनर ही नहीं किया होगा, मुझे लगता है कि लाइव चल रहा है तो कहते हैं कि या डिनर कर लिया होगा या बाद में करेंगे, मैं तो अभी नहीं किया है, मैं तो करूंगा आराम से। अब संडे है कल, नहीं संडे सुबह 10 बजे मैंने लाइव रखा हुआ है, मतलब कि आउटडोर तो उठना भी है, बट कोई नहीं ये कैसी चीज है कि ये सब दोबारा नहीं मिलती है, इसको सैटरडे बस जी मेरे लिए तो इतना लिया। है, होता है कि मैं रात के 1 बजे तक तो करता हूँ काम, 1 बजे नहीं बाद जरूरी है जाता हूँ लैपटॉप पे बस कोई अच्छी सी मूवी। और आप बस मानेंगे नहीं, आजकल तो नियम बना रखा है मैंने, मूवीज ऐसी लगाता हूँ
मेरे टाइम की, हाँ लाइक ओके जिगर या कुछ पुरानी कुछ भी लगा दी, तिरंगा लगा दी, क्रांति सही वीर लगा दी, ये तुम ये है सही देखोगे। अब है मेरे सही पास अच्छा यहाँ पे 8 स्टूडेंट रहते हैं, 8, ठीक है, आज उसके अंदर सब 8 स्टूडेंट है, 2 बच्चियां हैं, 6 बच्चे, सबको बिठा के ओके जबरदस्ती दिखाता हूँ बैठो, घर वाली फीलिंग चाहिए मुझे। सही है सही है सही है एक्चुअली फिर मजा सबके साथ देखने में ना वो फिर अकेले में है ही नहीं सही बताए तो अरे ये मिर्जापुर वाले ये हैं, ये अपहरण वाले हैं, ये सेक्रेट गेम वाले हैं, स्ट्रेंजर थिंग हाँ वाले, हाँ हनी हाइस्ट वाले हैं। अब इन्हों इन्हें सही पता बात थोड़ी है वो मजा, सही सही बात है सही बात है बिल्कुल बिल्कुल इन्हें ये तो क्या है पता ही हम कुछ कुछ होता है। मैं जब अंजलि, वो कौन सी, क्या नाम है, रानी मुखर्जी मर गई थी, हम तब रोए थे जब क्या बात छोटे पहली मूवी होता लगता असली में कोई इंसान निपट गया ऐसा थे। फीलिंग आता था हाँ मतलब निपट गया, दुख हो रहा है, सही मतलब उसकी मम्मी मर गई तो इधर दुख हो रहा है, मतलब पहले इतने इमोशंस थे, अब नहीं है। आप तो लगता है अरे ठीक है चलो ये तो पता ही है ना चीजों को खूबसूरत तो फाइनली मोस्टली मतलब डन है मेरे हिसाब से तो आप लोग देख सकते हो ज्यादा खूबसूरत, मतलब अतुल्य, अविश्वसनीय, अरे थैंक अद्भुत। यू सो मच थैंक सच यू में बहुत सो प्यारा बन मच लग रहा है, और लाइव मैं तो कह रहा हूँ ना, ये ऐसा करेंगे, ये जी लेके आना, ये मैं रख लूंगा, ठीक है। अरे बिल्कुल बिल्कुल अरे बिल्कुल अरे मैं बिल्कुल जब भी मिलो बताना मैं जब आप आओ बताना बिल्कुल मैं दे दूंगा ऐसे कोई नहीं और आप अपने काम सिग्नेचर करते कर हो दें ठीक ताकि बच्चों को पता चले कि ये कंप्लीट है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल एक सेकंड मैं हमेशा जो सिग्नेचर करता हूँ मैं उसके लिए स्कारलेट रेड यूज करता हूँ या स्कारलेट या वर्मिलियन जो भी थोड़ा ब्राइट होता है रेड दैट्स वाई और साइन में अपने नाम ही वैसे तो अधिकतर अच्छी बात नाम शशांक जो ऐसे हम लोग सोच रहे थे कि अभी क्या बनेगा आज क्या बनेगा बन के आएगा कुछ पता नहीं होता है अभी देखो आज तो 26 है हाँ तो लेकिन अब बन गया लगता है चल सुकून मिला कि चलो एटलीस्ट हाँ बन गया ये होता है बिल्कुल, मैंने खूबसूरत बना, बहुत ही अच्छा, मतलब जो ये इस हट के पीछे जो वो ब्लू कलर आया ना, वो भी बड़ा गजब आया। हाँ हाँ ये भी बहुत अच्छा बिल्कुल है, बहुत प्यारा थैंक यू अगर शायद वो चीज वहां पे ना होती थोड़ा सा वो एक 1% कम डल होता अभी लेकिन वो थोड़ा सा एक पेंटिंग में खूबसूरती क्रिएट कर रहा है उस चीज को बिल्कुल। जो मेरा मानना है बाकी अभी और भी बहुत कुछ हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से अभी नहीं नहीं बच्चों के लिए इनफ इतना है, ही मुझे लगता है आई थिंक इनफ है। हाँ हाँ इनफ बहुत है हो सकता है, कभी कभी कुछ चीजों को ना छोड़ दो। हाँ तो मैं सामने आ जाऊं अभी फेस ले जरूर आओ जरूर जरूर जरूर। अब काम को छोड़ने से एक बात याद आ रही, प्रभाकर कोल्टे सर जो है, उन्होंने एक बात हाँ कही थी कि कभी भी कोई पेंटिंग कंप्लीट नहीं होती है, एक वक्त के बाद हम उसे छोड़ देते हैं। सही बात है एकदम हल्का फेस में बिल्कुल एकदम मतलब गर्मी चढ़ गई बिल्कुल अरे फैन बंद है ना दैट साइड अभी मैं फैन हाँ ऑन कर लेता हूँ चलिए, अब मैं इनवाइट करता हूँ, काम तो बहुत जबरदस्त भौकाल बना है, तबाही बना है, तब भी ठीक थैंक है। तो जितने भी लोग यू हैं, अब थैंक जिनको बच्चों को क्वेश्चन, बस क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। किसी को लगता है कुछ क्वेश्चन तो आएंगे एक साथ एकदम चार में एक ही देख पाएंगे ऐसा नहीं लगता है पता क्या है, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं आज क्या हो रहा है। ठीक अच्छा ऐसा कुछ है जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं इस वीडियो को यहाँ एंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दो हम दोबारा लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है, आप दोबारा दोबारा प्लीज, क्योंकि रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट नहीं हो रही है, मैं बार बार कर रहा हूँ, अभी देखो मैं दबाया भी ठीक है, ओके पता कोई नहीं, दिक्कत नहीं कोई क्योंकि दिक्कत नहीं इंस्टाग्राम के नाटक हैं, कभी कभी कर देता ही। देखो हाँ मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, अभी क्या लाइव आप एंड कर रहे हो मैं 1 मिनट, 1 मिनट देखो, 1 मिनट रुको, मैं दबा रहा हूं, मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा, देखो एक्सेप्ट नहीं हो रहा हाँ नहीं कमेंट आपने ऑफ कर रखा है क्या अभी है। कमेंट तो ऑफ कर रखा है, वो ऑन कर दूंगा मैं, वो आपकी स्क्रीन स्क्रीन ठीक रहे इस चक्कर में, कमेंट ऑन कर दिया। ठीक है, हम दोबारा जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं हो पा ठीक रहा है, शायद नेट कुछ दिक्कत है, इंस्टाग्राम का कभी कभी हो जाता है, तो हम दोबारा जुड़ रहे हैं ना, ओके जितने भी लोग हैं दोबारा बने रहे, दूंगा क्वेश्चन आंसर दोबारा होंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल